Hello students, I welcome you all to this session. My name is Amit Sharma and I am senior chemistry faculty in Vidya Mandir classes. So aaj ka jo hamara topic hai wo hai biomolecules, polymers and chemistry in everyday life. To yahan tak aane yahan par pahunchne tak humne organic chemistry ke most of the functional groups unke reactions sare kar liye hote hain, mechanism everything is completed. So is chapter mein bhi agar hum dekhenge to wahi functional ग्रुप्स इन्वॉल्व होंगे. अगर रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो ऑल इट इज अज्यूम्ड कि हमें वो रिएक्शंस हम उनको यूज कर सकते हैं. तो आइडिया जो एजेंडा है वो ये है कि इसमें ये चैप्टर्स थोड़े से इंफॉर्मेशन बेस्ड हो सकते हैं, तो उसको जिस तरीके से डील करना है दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सेशन. तो एक बार ये देख लेते हैं कि जेई मेंस में ये कितनी बार इसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं. तो एज सच जेई मेंस में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट माना जाता है बिकॉज जनरली एक आध क्वेश्चन तो डेफिनेटली आ ही जाता है इनमें से, राइट. और थोड़ा सा बिकॉज इंफॉर्मेशन बेस्ड है, थोड़ा याद करने वाला स्टफ है, तो हम ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको अवॉइड करते हो, पर ऐसा नहीं करना. क्यों? क्योंकि थोड़ा सा एनसीईआरटी बेस्ड है. बेसिकली एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है, दैट आई विल मेंशन ओवर एंड ओवर अगेन इन दिस सेशन. तो आइडिया यही होगा कि एनसीईआरटी को जैसे पढ़ना है और क्या अप्रोच होना चाहिए वो हम इस सेशन में डिस्कस करते हैं, राइट. तो एक बार एक आप चार्ट देख सकते हैं, राइट, एक टेबल देख सकते हैं जिसमें ये मेंशनड है के बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री एंड ब्लैक में कितने कितने क्वेश्चंस आए, राइट. तो जेई मेंस 2019 जनवरी में बायोमोलिक्यूल्स में 7 क्वेश्चंस, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में 8 क्वेश्चंस आए, ठीक है. और जेई मेंस 2019 अप्रैल में 8 क्वेश्चंस आए बायोमोलिक्यूल्स में, और पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में से 5 क्वेश्चंस आए. जेई मेंस 2020 में जनवरी में बायोमोलिक्यूल में 5 क्वेश्चन आए और पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में 6 क्वेश्चन आए. तो ऑलमोस्ट हम मान सकते हैं कि लाइक किसी ना किसी पर्टिकुलर किसी भी लाइक मॉर्निंग सेशन या इवनिंग सेशन में एक आध क्वेश्चन तो इनमें से आ ही जाता है. तो और ये ऐसा होगा कि अगर हमने एनसीईआरटी पढ़ी होगी और हमने उसको अच्छे से अगर हमने उसको रिवाइज करा है, याद है हमें उस टाइम पे, then only we will be able to solve that particular question. तो जिसको जिसने पढ़ा होगा वो immediately कर देगा उसको, अगर नहीं पढ़ा होगा तो हमें वो unfortunately वो छोड़ना पड़ेगा. तो that is what this is what we are going to discuss in this particular session. तो we'll start with biomolecules. अच्छा, as such हम 3 topics cover करने वाले हैं session में, biomolecules, chemistry and everyday life and polymers. तो जो और तीनों के तीनों topics में एक चीज तो जरूरी है कि NCERT हमें पढ़नी है, right? बायोमोलिक्यूल्स में कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो डिस्कस किए जा सकते हैं, थ्योरी बेस्ड चीजें डिस्कस किए जा सकती हैं. वाइल अगर मैं बोलूं कि पॉलीमर इन एवरीडे लाइफ इट इज लाइक प्योरली एनसीईआरटी, यू हैव टू गो थ्रू एनसीईआरटी. और एजेंडा ये होगा, हमारा अप्रोच ये होगा कि उसमें से बिकॉज थ्योरी कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है तो we will take up the questions from previous years, और उसमें जो NCERT में से लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन यूज हुए हैं तो हम देखेंगे कि वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो दैट इज आवर अप्रोच. कॉन्सेप्ट हम बायोमोलिक्यूल में से जो जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट विल डिस्कस इन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड पॉलीमर्स का अप्रोच ये होता है कि आप एक बार आर्काइव्स को जरूर देखो, आपको आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं. तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू फॉलो इन दिस पर्टिकुलर सेशन, राइट. तो विल स्टार्ट विद बायोमोलिक्यूल्स, कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, साथ साथ क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो कि बताए जा सकते हैं. वी विल स्टार्ट विद बायोमोलिक्यूल्स इटसेल्फ. तो यहाँ पर जो हमारे जो टॉपिक्स टू बी कवर्ड है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, एक तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है. कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे स्ट्रक्चर्स, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सारी स्ट्रक्चर्स इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है. उसके अलावा अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, इसमें से लाइक जैसे अमाइन ग्रुप अगर प्रेजेंट है, राइट, तो उसमें एसिडिटी बेसिडिटी पे क्वेश्चन जनरली पूछे जा सकते हैं. अमाइनो एसिड हमें याद होने चाहिए, दैट इज वन ऑफ द थिंग जो कि हम यहाँ पर देखेंगे, राइट. लास्ट बट नॉट लीस्ट न्यूक्लिक एसिड एंड जस्ट गो थ्रू एनसीईआरटी. न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए गिवन है तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है. तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कार्बोहाइड्रेट्स का, तो लेट अस डिस्कस फ्यू टॉपिक्स जो के कार्बोहाइड्रेट्स में हम डिस्कस करते हैं, राइट. ओके,
सो लेट अस फर्स्ट डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या? तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो डेफिनेशन है वो है, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और द कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस. राइट, तो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है दे मस्ट बी, दे हैव कायरल सेंटर, कायरल कार्बन डेफिनेटली होंगे, एंड दे हैव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन. तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा वो एल्डिहाइड या कीटोन होगा, बट दे हैव ओएच ग्रुप एज वेल, दे हैव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन. और ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे कंपाउंड जिनकी हाइड्रोलिसिस से ऐसा ये इस तरीके के कंपाउंड आ जाए. सबसे जो फर्स्ट बेसिक कैटेगराइजेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास मोनोसैकेराइड है, ऑलिगोसैकेराइड्स हैं एंड पॉलीसैकेराइड्स हैं. तो इनकी डेफिनेशंस क्या हैं? व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स? तो मोनोसैकेराइड जो होते हैं, ठीक है, दे डू नॉट, दे आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड, दे डू नॉट गेट हाइड्रोलाइज. तो ये सबसे बेसिक यूनिट होता है, दे डू नॉट गेट हाइड्रोलाइज, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विच डू नॉट गेट हाइड्रोलाइज. राइट, ये सबसे एक बेसिक यूनिट होगा. और इसकी जो एग्जाम्पल्स होंगी वो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, मैनोस. बहुत सारे ऐसे ऐसे मोनोसैकेराइड हो सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ कुछ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको थोड़ा सा रेफर करेंगे. तो दीज आर द इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. राइट, और अगर हम देखेंगे इनका जो जनरल फॉर्मूला होगा, ये जो हमने चार कंपाउंड लिखे हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, मैनोस, ठीक है, इनका जो फॉर्मूला है वो सबका एक ही फॉर्मूला है, तो ये याद रखने में भी आसान है. ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स अगेन, इसमें हमारे पास ये बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं कि मोनोसैकेराइड्स की कॉम्बिनेशन से बने हैं, और अगर इनकी हाइड्रोलिसिस की जाए तो ये दे विल प्रोड्यूस 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स एज सच. तो दे विल प्रोड्यूस 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस. राइट, ओके, एंड अगर इसकी हम एग्जाम्पल देखें, ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास जैसे सुक्रोज आ गया. सुक्रोज काफी इंपॉर्टेंट में से है. अगर हम ओलिगोसैकेराइड्स की अगर फर्दर क्लासिफिकेशन देखें तो जैसे 2 to 10 हो सकते हैं. अगर दो मोनोसैकेराइड बनाता है तो दैट कैन बी क्लासिफाइड एज डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स. लाइक जैसे मैंने बोला कि सुक्रोज इंपॉर्टेंट है काफी इसमें से, तो डाइसैकेराइड हो गया. डाइसैकेराइड का मतलब है कि जो ऐसे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो के दो मोनोसैकेराइड्स को जनरेट करें ऑन हाइड्रोलिसिस, तो दे आर डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स एंड टेट्रासैकेराइड्स. तो हम डाइसैकेराइड्स को देख सकते हैं एक बार, डाइसैकेराइड्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है. डाइसैकेराइड्स मैं यहाँ पर कुछ डाइसैकेराइड्स लिख रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल वी हैव सुक्रोज, सुक्रोज, देन वी हैव लैक्टोज, एंड देन वी हैव माल्टोज. तो ये जो डाइसैकेराइड्स हैं ये हमें याद होने चाहिए, पता होने चाहिए इनके बारे में. दीज आर द वन विच हैव बीन मेंशनड इन एनसीईआरटी एज वेल. और अगर मैं सुक्रोज की बात करूं तो सुक्रोज बेसिकली अगर दो मोनोसैकेराइड बनाएगा तो ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से मोनोसैकेराइड बनाता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं सुक्रोज की बात करूं तो सुक्रोज की अगर हाइड्रोलिसिस होगी तो इट विल प्रोड्यूस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. अगर मैं लैक्टोज की बात करूं तो जो लैक्टोज होता है वो गैलेक्टोज और
ग्लूकोज की कॉम्बिनेशन से बना है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जब लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस होगी तो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज एज वेल, ठीक है। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट इसमें हम माल्टोज को देख सकते हैं। माल्टोज में दोनों ही ग्लूकोज के यूनिट्स होते हैं, राइट। तो इसमें अगर इसकी माल्टोज की अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो इट विल प्रोड्यूस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो दो ग्लूकोज बेसिकली कंबाइन करके माल्टोज बनाते हैं, और वाइस वर्सा कि माल्टोज की हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज दो ग्लूकोज के यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, दिस हाउ वी आर गोइंग टू रेफर these oligosaccharides are disaccharides as well, okay, trisaccharides, तो ये जो sucrose, lactose और maltose हैं, ये तो NCERT में mention है, तो इससे काफी important है। trisaccharides की बात करें, tetrasaccharides generally ये इतना पूछा नहीं जाते हैं, लेकिन just in case, just as information, I'll just write it down, एक आध पता होना चाहिए, मतलब अगर पूछा जाएगा तो ये ही पूछा जाएगा, तो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ वो, राइट। तो हमारे पास जो ट्राइसैकेराइड है ट्राइसैकेराइड में आप रेफिनोज को याद रख लो, तो रेफिनोज इज अ ट्राइसैकेराइड, और ट्राइसैकेराइड में का मतलब है ये किस किस मोनोसैकेराइड्स की कॉम्बिनेशन से बना है वो पता होना चाहिए। तो रेफिनोज जो होता है गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, तो बेसिकली इनकी कॉम्बिनेशन से बना है, या फिर अगर हम रेफिनोज की हाइड्रोलिसिस कर दें तो वी गेट थ्री मोनोसैकेराइड एसिड्स, जो कौन कौन से मोनोसैकेराइड बनते हैं, गैलेक्टोज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सिमिलरली एक टेट्रासैकेराइड हम याद रख सकते हैं, टेट्रासैकेराइड स्टैकिलोज, तो स्टैकिलोज एक टेट्रासैकेराइड है जिसको याद रखा जा सकता है, ठीक है, और विच मीन्स इट विल प्रोड्यूस फोर सच बेसिक मोनोसैकेराइड्स एज सच। तो और वो कौन कौन से हैं, गैलेक्टोज हो गया, और दूसरा भी गैलेक्टोज होता है, एंड देन ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन बेस्ड चीजें हैं जो कि हम याद रख सकते हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैटेगराइजेशन, उनको डिफाइन करना आना चाहिए, मोनोसैकेराइड्स ओलिगोसैकेराइड्स, ये चीज इट शुड बी क्लियर टू अस, राइट। एंड देन यू हैव पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स जस्ट बाय डेफिनेशन पॉली का मतलब है कि ऑब्वियसली मेनी, तो विच विल प्रोड्यूस लाइक मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस, राइट, दे विल प्रोड्यूस मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस, या प्रोड्यूस मेनी मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। और जो इंपॉर्टेंट हमें याद रखने हैं, ठीक है, वो कौन कौन से याद रखने हैं इसमें, ठीक है, विचार मेंशन इन एनसीईआरटी एज सच, तो हमें सेल्यूलोज स्टार्च और ग्लाइकोजन ये हमें याद रखना है, ठीक है, इन तीनों पॉलीसैकेराइड्स को हमें याद रखना है, एंड बेसिस दे विल प्रोड्यूस मेनी मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। और अगर हम इन तीनों का देखें, तीनों का जनरल फॉर्मूला देखें, तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला इन तीनों के लिए सेम ही रहता है, राइट, C6H10O5 होल N, ठीक है। एंड अगर मैं इन डाइसैकेराइड्स की बात करूं, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, तो इनका भी एक जनरल, इनका भी सेम ही फॉर्मूला है, विच इज C12H22O11। तो बेसिकली एक इंफॉर्मेशन है हमें, पहले फर्स्ट कैटेगराइजेशन है, और जिसमें हमें याद रखने हैं मोनोसैकेराइड्स के नाम के, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, गैलेक्टोज फ्रक्टोज मैनोज क्या होते हैं, एंड देन वी हैव ओलिगोसैकेराइड, डायसैकेराइड्स आर इंपॉर्टेंट, एंड पॉलीसैकेराइड्स आर इंपॉर्टेंट, ट्राइसैकेराइड टेट्रासैकेराइड की मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, विच कैन बी जस्ट रिमेंबर्ड एज सच। तो फर्स्ट कैटेगराइज इज ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ ऑन बेसिस ऑफ द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स एज सच, राइट, ओके।
दूसरी जो कैटेगराइजेशन है, हम बोल सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दे कैन बी क्लासिफाइड एज वेदर दे आर रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग. बाय द वे, शुगर इज अनदर टर्म विच वी कैन यूज फॉर कार्बोहाइड्रेट्स. जनरली दे आर स्वीट, राइट? तो रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग. रिड्यूसिंग का मतलब क्या हुआ? अब इनका जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको अगर हम रिएक्ट करवाएं टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, तो हम ये देख सकते हैं कि वेदर दे कैन रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन और नॉट, राइट? तो हमें पता है टॉलेंस सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन हमने पढ़ा है, ठीक है? दे आर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइडिक ग्रुप टू कार्बोक्सिलिक एसिड एज सच, और नॉट ओनली फ्री एल्डिहाइड ग्रुप बट फॉर द अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स एज वेल. तो एक हमारे पास एक जनरल अलग से हमारे पास एक कैटेगराइजेशन आ गया कि अगर कोई टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, टॉलेंस रिएजेंट के और या फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है, तो उस तरीके से उसकी कैटेगराइजेशन किस तरीके से होगी, राइट? तो टॉलेंस रिएजेंट, तो रिड्यूसिंग शुगर्स एंड देन वी हैव नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स. अगर हम क्लासिफाई देखें कि हमारे पास उनमें जितने भी हमारे पास मोनोसेक्राइड्स होंगे, जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सारे जितने और मैनोस, ये जितने भी हमारे पास मोनोसेक्राइड्स हैं, दे आर ऑल रिड्यूसिंग शुगर्स. फ्रक्टोज में हमारे पास कीटोन ग्रुप है बट इट इज एन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, तो इट इज ऑल्सो अ रिड्यूसिंग शुगर. तो जनरली कोई भी मोनोसेक्राइड आ गया तो वो एक रिड्यूसिंग शुगर होगा, मतलब इट इज गोइंग टू रिड्यूस टॉलरेंस एजेंट एज सच, ठीक है? एंड डाइसेक्राइड्स भी हमारे पास रिड्यूसिंग होते हैं. एक्सेप्शन याद रखनी है, ये एक्सेप्शन काफी इंपॉर्टेंट है. सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग. सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है? तो सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है, इस चीज को बच्चे याद रखेंगे. और ये ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और ये पूछा मतलब हम बेसिकली ये एनसीईआरटी में मेंशन है. ओके ओके, नेक्स्ट इज लेट्स कम टू मोनोसेक्राइड्स. फर्स्ट मोनोसेक्राइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सबसे इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड हमारे लिए ग्लूकोज है. और आगे इस चैप्टर में कैसे डील करना है, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज टू नो द स्ट्रक्चर, ठीक है? तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज इंपॉर्टेंट. बाय द वे, जो ग्लूकोज होता है वो एल्डोहेक्सोज होता है, राइट? एनसीईआरटी में इस तरीके से कैटेगराइजेशन भी है कि जितने भी हमारे पास मोनोसैकेराइड्स उनके पीछे ओएससी ओज लग जाता है. और ये ट्रायोज का मतलब है तीन, फॉर एग्जांपल तीन कार्बन है, देन यू हैव टेट्रोज, पेंटोज एंड हेक्सोज. हेक्सोज का मतलब छह कार्बन, और अगर एल्डिहाइड है तो एल्डो एल्डो हेक्सोज, और अगर फॉर एग्जाम्पल सेम चीज अगर हम फ्रक्टोज के लिए बोलते तो दैट वुड हैव बीन कीटो हेक्सोज, राइट? तो ग्लूकोज इज एन एल्डो हेक्सोज, राइट? तो उसके बाद फॉर द फर्स्ट, इसके अलग अलग स्ट्रक्चर हैं. द फर्स्ट, दिस इज योर ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. अगर हम ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला देखें तो इट इज C6H12O6. अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है? ऑफ कोर्स बाय बाय एक्सपेरिमेंटिंग लॉट ऑफ रिएक्शंस, ये एक ओपन चेन स्ट्रक्चर डिराइव हुआ है जिसमें छह कार्बन एटम है. जस्ट गेट कंफर्टेबल राइटिंग द स्ट्रक्चर एज सच, बिकॉज अगर हम ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, सिक्स कार्बन एटम है. तो सिक्स कार्बन एटम एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है? और मैं नंबरिंग आप देख सकते हो कि CHO से, इसलिए बिकॉज इट इज द मेन फंक्शन ग्रुप एज सच. और इसमें अगर आप नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स भी देखेंगे तो हमारे पास चार कायरल सेंटर्स होते. तो अगर इसके स्टीरियो आइसोमर्स हैं तो 2^4, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कुड हैव बीन 2^4, 16 एज सच. बट यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर जानने की जरूरत है हमें. जस्ट गेट कंफर्टेबल विद राइटिंग द स्ट्रक्चर एज सच. हमेशा ध्यान रखो कि हमारे में छह कार्बन बनाने हैं. फर्स्ट इज CHO, देन 1, 2, 3 एंड 4,
एंड देन लास्ट में आपको CH2OH लगना है। ये ध्यान रखना है कि राइट साइड पे हम कुछ OH मेंशन करते हैं, राइट राइट साइड पे OH, लाइक यहाँ पर मोस्टली राइट साइड पे OH है, लेकिन जो थर्ड पोजीशन है उसमें थोड़ा सा रिवर्स है, तो ये इस तरीके से याद रखना है, राइट। तो थर्ड पोजीशन पे हमेशा आपको ऑपोजिट कॉन्फिगरेशन, तो दिस इज द कार्बन, यहाँ पर जो हमारे थर्ड कार्बन पे तो जो C3 है उस पे जो कॉन्फिगरेशन है वो डिफरेंट है, ठीक है। उसमें जो OH है वो, ठीक है, वो लेफ्ट साइड पे है रादर देन द राइट साइड, ठीक है। तो दिस इज द ओपन चेन, फर्स्ट गेट कंफर्टेबल ड्रॉइंग दैट, और उसके बाद एक इसका पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन जैसे इसको मेंशन किया गया है कैपिटल डी, उसके बाद एक पॉजिटिव है डी प्लस ग्लूकोज। अब इनका इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है इट इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम दिस डी पॉजिटिव ग्लिसरेल्डिहाइड, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एक कॉन्फिगरेशन रिप्रेजेंटेशन होती है, एक होती है कैपिटल डीएल, विच इज बेसिकली अ रिलेटिव कॉन्फिगरेशन। तो इसके रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब है कि फॉर एग्जांपल हम ग्लिसरेल्डिहाइड में देखें तो जो ये जो OH जो CH2OH के जस्ट एडजेसेंट कार्बन है उस पे जो OH है अगर वो राइट साइड पे मेंशनड है तो विच मींस आप उसको डी बना देते हो, तो उसको डी मेंशन करते हो। और अगर यही चीज आप ग्लिसरेल्डिहाइड में इस तरीके से होता, जैसे फॉर एग्जाम्पल CH2OH और यहाँ पर अगर लेफ्ट साइड में OH होता तो दिस वुड हैव बीन रिप्रेजेंटेड एल L, ठीक है ना, इस तरीके से L है, ठीक है ना। और तो वो represent होती है इस position को देख के, ठीक है। तो this is how we can, और इसमें भी हमें सिर्फ इस particular जो just adjacent जो C5 पे जो OH लगा हुआ है उसको हम देख के बता सकते हैं कि इसकी configuration D है, तो this is D, तो इसे relative configuration as such। और this और हमें ये ध्यान रखना है this इसको हमें DL configuration, जो small DL configuration है उससे confuse नहीं करना है, ठीक है। DL this is dextro and levo, ठीक है ना, and dextro is like positive, तो हमारे पास this is the absolute configuration, ये जो हमारे पास होती है absolute होती है, absolute configuration। इसका मतलब है, मतलब अगर हमने ये positive लिखा है तो मतलब वो dextro है, और जो नेगेटिव लिखा है तो वो लीवो है। अगर वो पॉजिटिव रोटेट करता है, ऑप्टिकल रोटेशन पॉजिटिव है, तो देन इट इज लाइक डेक्स्ट्रो स्मॉल डी, एंड अगर वो हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करती है, ठीक है, रोटेशन है नेगेटिव ऑप्टिकल रोटेशन है, तो दैट इज योर लीवो। तो वो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है ना, दिस रिप्रेजेंट्स द एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन, ठीक है। तो मतलब इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा वो सब पॉजिटिव होता है, तो अप्रोक्सीमेटली प्लस 52 डिग्री के आसपास होती है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट इट, राइट। एंड तो दिस इज बेसिकली द ओपन चेन स्ट्रक्चर, सो बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अच्छा, हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर तो कर लिया, तो दिस इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर, राइट। नाउ एक बार इसको लिख के देखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वी माइट बी कंफर्टेबल के इसको किस तरीके से लिखा जाता है, तो दैट इज तो उसको प्रैक्टिस करनी है उसको, ठीक है। मतलब ये भूलना नहीं है कि C3 कॉन्फ़िगरेशन पे जो C3 पे कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट होती है। अब लेकिन इसके और भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती हैं, द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर, और उसको कैसे बनाएंगे उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बिकॉज ज़्यादातर जो क्वेश्चन होता है वो इस कॉन्फ़िगरेशन इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से पूछा जा सकता है, ठीक है। एंड दैट इज लाइक प्योरली स्ट्रक्चर बेस्ड, ठीक है। तो जस्ट गेट कम्फर्टेबल हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे पास एक एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है, ठीक है। एंड हमारे पास ये दिस पोजीशन, ठीक है, ये जो कार्बन है यहाँ पर, लेट से हमारे पास R1 और R2 दो अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो एज सच ये अभी प्लेनर है, राइट। एंड हमें पता है कि जो जनरल रिएक्शंस होते हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप के, दे आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आर फेवर्ड। अब देखो ये न्यूक्लियोफाइल, ये तो प्लेनर है, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल
कैन अटैक फ्रॉम बिलो ऑल्सो, इट कैन अटैक फ्रॉम द टॉप ऑल्सो. और हमारे पास अगर ये दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हैं तो ऑब्वियसली देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ जनरेशन ऑफ अ कायरल सेंटर. कायरल सेंटर का मतलब है हमारे पास दो तरीके के कंपाउंड हो सकते हैं, दो स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं. ठीक है, एक बार में ऐसा बोल सकता है कि लेट्स से वो बिलो द प्लेन गया और दूसरा वो लाइक फ्रॉम अदर अटैक वाज फ्रॉम अबव द प्लेन एज सच. तो इट कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट स्टीरियोआइसोमर्स एज सच एट दिस पर्टिकुलर व्हेन द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इज फ्रॉम दिस. ठीक है, अब इसको थोड़ा देखते हैं व्हाई दिस अटैक हैपेंस. ठीक है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं. ठीक है, नाउ यहाँ पर जो रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, दैट इज अ टिपिकल केस ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. और इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऐसा क्यों हो पा रहा है, बिकॉज जब फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन के लोन पर ने इसको अटैक किया, ठीक है, तो हमारे पास ऑब्वियसली यहाँ पर ओ नेगेटिव फिर एच पॉजिटिव ट्रांसफर हो गया यहाँ पर, तो ओ एच लग गया यहाँ पर. तो एक बार हमने ओ एच को राइट साइड पे लिखा, एक बार ओ एच को लेफ्ट साइड पे लिखा, और एंड देन दिस ओ इज कनेक्टेड टू दिस कार्बन. ठीक है, तो ये इस तरीके से कंपाउंड बना. तो दिस फॉर्म्स अ साइक्लिक स्ट्रक्चर. साइक्लाइजेशन हो रही है, तो हमारे पास पता है, तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सिक्स मेंबर्ड रिंग. और सिक्स मेंबर्ड रिंग अगर बन रही है तो हमें पता है कि दे आर क्वाइट स्टेबल, दे आर हाईली स्टेबल. सिक्स मेंबर्ड रिंग्स आर हाईली स्टेबल. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स इस तरीके के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, बिकॉज एक कार्बन पे एक OH लगा हो, देखो एक कार्बन पे एक OH लगा हुआ है और दूसरा हमारे पास लेट्स से एक OR लगा हुआ है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ अ हेमीएसिटल और हेमीकेटल. इन दिस केस इट इज अ हेमीएसिटल. तो हेमीएसिटल फॉर्मेशन का जनरली वो स्टेबल नहीं होते, लेकिन यहां पर जो बन रहा है वो एक साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्मेशन है, साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्मेशन. और सिंस साइक्लिक हेमीएसिटल एंड इट इज अ सिक्स मेंबर्ड रिंग, तो इट इज हाईली स्टेबल. तो दैट इज बेसिकली ड्राइव, दैट इज द बेसिकली फंडामेंटल थिंग जो यहाँ पर हमें सीखनी है कि ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज इट लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ सिक्स मेंबर्ड रिंग विच इज हाईली स्टेबल. एंड हमें पता है कि अटैक इट्स अ केस ऑफ इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स. ठीक है, तो एक बार हमने राइट साइड पे लिखा, एक बार हमने लेफ्ट साइड पे लिखा, राइट. तो इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो हम यूज करते हैं, ठीक है, वो किस तरीके का स्ट्रक्चर हम इसको यूज करते हैं. पर सिक्स मेंबर्ड रिंग है तो पी नो हम पैरानो स्ट्रक्चर यूज करते हैं. तो आई जस्ट डायरेक्टली ड्रॉ के इसका स्ट्रक्चर क्या होगा. तो जो राइट साइड पे जो ऑक्सीजन जहां पर हमने OH लिखा, जो जहां पर OH राइट साइड पे था, तो दैट इज टर्म्ड एज अल्फा ग्लूकोज. और जहां पर लेफ्ट साइड पे था OH, तो दैट इज टर्म्ड एज बीटा ग्लूकोज. अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, ये डी तो सेम रहेगा, पॉजिटिव इज द एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन. ठीक है, और जब ये कंपाउंड को हम साइक्लिक फॉर्म में लिखते हैं तो वी यूज पैरानो स्ट्रक्चर. ठीक है, इस रिंग की फॉर्म में लिखेंगे, राइट. और जो राइट साइड पे है, तो राइट साइड पे अगर OH राइट है तो उसको हम ड्रॉ करते हैं बिलो द प्लेन. अगर OH लेफ्ट साइड पे है, इट इज अबव द प्लेन. ठीक है, एंड हमेशा एक और चीज ध्यान रखनी है, जो CH2OH है लगा हुआ है, इट इज ऑलवेज ड्रॉन अबव द प्लेन और द रिंग. ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर से साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर में, साइक्लिक स्ट्रक्चर में फॉर्मेशन फॉर्म करने के लिए. ठीक है, तो जैसे हम अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज अगर बनाए, ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि यहां पर OH बिलो है, बिलो द प्लेन है, एच है. तो दिस आई एम जस्ट गोइंग टू नंबर दिस द कार्बन एटम्स ओवर हियर, 1 2 3 4 5,
और जो सिक्स है वो सी एच टू ओ एच है विच इज अबव द प्लेन. तो बाकी जैसे टू पे ओ एच है, टू पे ओ एच है ठीक है, वो डाउन द प्लेन है. हमें पता है कि कॉन्फिग्रेशन सिर्फ थ्री पे डिफरेंट होती है, तो थ्री पे ओ एच ऊपर आएगा, बाकी हर जगह ओ एच जो है वो नीचे आएगा, और जो बाकी बचे हैं वहां पर हम एच डाल सकते हैं, एच लिख सकते हैं. राइट, दिस इज एच, दिस इज एच, दिस इज एच, दिस इज एच. तो फर्स्ट आइडिया इज टू गेट कंफर्टेबल ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर लाइक दिस. ठीक है, तो ये हमें, अगर इस चीज से हम कंफर्टेबल हो गए तो आई थिंक बाकी चीजें सारी सेम हो जाती हैं. बिकॉज ये जो कार्बन है ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ठीक है. बिकॉज यहाँ पे आपके पास बेसिकली सिर्फ इस कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज सी वन कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है. अगर आप दो डिफरेंट आइसोमर्स की बात करते हो, वन इज अल्फा एंड द अदर इज गोइंग टू बी बीटा. राइट, अगर तो हमें अगर बीटा बनाना हो तो बीटा भी उसी तरीके से बनाएंगे. राइट, बाकी सब कुछ देखो सेम है, बाकी एवरीथिंग एल्स इज सेम, बस फर्क क्या हो गया, अब यहां पर जो बीटा है वो अबव द प्लेन, ओएच है वो अबव द प्लेन आया. ठीक है, दिस इज योर सी वन, तो यहाँ यहाँ पर ये हो गया बीटा, बाकी सब कुछ सेम. दिस इज वन टू, टू पे ओ एच नीचे है, और थ्री पे कॉन्फिग्रेशन हमेशा डिफरेंट होती है, मतलब ओ एच अबव द प्लेन होता है, और बाकी दिस इज सी फोर और सी फाइव और सी सिक्स. राइट, तो दिस इज योर बीटा डी पॉजिटिव. राइट, तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर. एंड बिकॉज ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम पैरानोस, तो इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं पैरानोस स्ट्रक्चर. राइट, और Howard structures. तो आई होप ये दोनों स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम कंफर्टेबल हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको. ठीक है, बिकॉज दिस इज द थिंग जिसपे हमें थोड़ा फोकस करना है. ठीक है, मतलब एक न्यूक्लियो इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ, जिससे यहाँ पर हमें दो आइसोमर्स बन गए. तो यहाँ पर जो दो आइसोमर्स बनेंगे उनकी कॉन्फ़िगरेशन सी वन पे डिफरेंट होगी, बाकी सब कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी. राइट, तो विच तो भी और एक साइक्लिक प्रोडक्ट बना, साइक्लिक हेमीएस्टल बना, सिक्स मेंबर्ड रिंग बनी. तो उसको बनाने के लिए हमने पैरानोस स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट किया हमने. ठीक है, तो वन इज कॉल्ड अल्फा, वन इज बीटा, एंड अल्फा बीटा दे आर आल्सो रेफर्ड टू एज एनोमर्स. एनोमर्स क्या होते हैं, दोज डिफर एट कॉन्फिग्रेशन एट सी वन पोजिशन. तो जो ऐसे आइसोमर्स हैं, जो यहाँ पर जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं जो कि सी वन कॉन्फ़िगरेशन पे डिफर करेंगे, उनको हम एनोमर्स बोलते हैं. तो हमारे पास जो अल्फा और बीटा फॉर्म्स हैं ग्लूकोज की, तो दे आर वे रेफर टू एज एनोमर्स, दे आर एनोमर्स टू ईच अदर. राइट, तो एंड इफ यू से कि दे साइक्लिक और हमारे पास जो स्ट्रेट चेन जो स्ट्रक्चर है, दे आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, तो ऑलवेज दे आर गोइंग टू बी एग्जिस्टिंग इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. और जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं ठीक है, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव स्टेबिलिटी एज सच. तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें मेंशन करी हैं, अगर हम इसको देख सकते हैं ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, इनका जो ऑप्टिकल रोटेशन है उसका एंगल है. ऑफकोर्स आप जस्ट देख सकते हो, प्लस है तो मतलब ये पॉजिटिव, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है इनकी. तो हमारे पास अल्फा ग्लूकोज का प्लस 19, इसका प्लस 52 के आसपास, इसका प्लस 112. ये चीज थोड़ा हम और अच्छे से इसको देख सकते हैं. ये एक जनरल, एक हमने परसेंटेज लिख दी कि अच्छा ऑफ कोर्स बिकॉज दे आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो ऑफ कोर्स जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी परसेंटेज भी ज्यादा होगी. राइट, उसकी परसेंटेज भी ज्यादा होगी. तो हमने तो यहाँ पर ओके, दिस इज स्लाइटली, इसको मैं थोड़ा सा उल्टा लिख दिया.
तो जो अल्फा है अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली 34% एंड जो बीटा है वो 64% होता है। तो हमारे पास अल्फा जो हमारे जो बीटा फॉर्म है इट इज मोर स्टेबल। तो मोर स्टेबल इज द बीटा फॉर्म, दैट्स वाई इट इज इन द मेजर प्रोपोर्शन 64% वो एग्जिस्ट करता है। और वो क्यों एग्जिस्ट करता है, वाई इट इज स्टेबल, तो इस बार इसको देख सकते हैं उसकी हम एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा सा जा सकते हैं, ठीक है, एक बार ट्राई कर सकते हैं कि व्हाई इट इज स्टेबल। ठीक है, तो बिकॉज इट इज अ सिक्स मेंबर्ड रिंग, तो हमें पता है कि सिक्स मेंबर्ड रिंग, ठीक है, प्लेन और sp3 हाइब्रिड है सारे एटम्स, ठीक है, तो ये इस कॉन्फ़िगरेशन में तो वो इस रिंग में तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक्चुअल तो जो एग्जिस्ट करेंगे दे विल बी एग्जिस्टिंग इन द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन जो सिक्स मेंबर रिंग के लिए होती है, दैट इज द चेयर फॉर्म, तो दे विल बी एग्जिस्टिंग इन द चेयर फॉर्म। तो अगर इसको चेयर फॉर्म में हम बनाएं तो वो किस तरीके से होगा, ठीक है, तो एक बार इसका चेयर फॉर्म देख लेते हैं। तो ओके, राइट, तो अब मैं इसको एक बार नंबर कर लेता हूँ। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और 6 हो जाएगा। तो हम पता है कि जब हम पर्टिकुलरली जब हम चेयर फॉर्म बनाते हैं तो उसमें दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक्सियल बॉन्ड और इक्विटोरियल बॉन्ड्स। यहाँ पर तो एक्सियल पोजिशंस को मार्क करने के लिए आई जस्ट तो जो डाउनवर्ड प्लेस करते हैं यहाँ पर, पहले एक ये एक्सियल को मार्क करते हैं, दिस विल बी फ्रॉम द टॉप, ये नीचे की तरफ पॉइंट करेगा, ये ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा और ये नीचे की तरफ पॉइंट करेगा। तो ये सारे एक्सियल बॉन्ड है, तो एक्सियल बॉन्ड मतलब, ठीक है, तो और इसके जो दूसरे होंगे वो इक्वेटोरियल होंगे, है ना। तो इक्वेटोरियल को पॉइंट करने के लिए दिस इज योर इक्वेटोरियल, दिस इज योर इक्वेटोरियल। तो अगर यहाँ पर 3 पे एक्सियल नीचे की तरफ है तो इक्वेटोरियल ऊपर की तरफ होगा, और 4 पे अगर एक्सियल ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है तो इक्वेटोरियल हमें नीचे की तरफ होगा, ठीक है, 5 एक्सियल नीचे की तरफ पॉइंट करता है, इक्वेटोरियल ऊपर होगा, ठीक है। यहाँ पे तो अब हम देख सकते हैं कि नाउ विच इज अबव एंड बिलो द प्लेन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बीटा, बिल्कुल बाकी सब 2, 3, 4, 5 कॉन्फिगरेशन तो चेंज नहीं करती, फर्क पड़ रहा है यहाँ पर 1 पे। कैसे, अगर मैं बीटा के लिए बनाऊंगा, बीटा के लिए आप देखोगे कि OH अबव द प्लेन लाई कर रहा है, मतलब OH विल बी एट द इक्वेटोरियल पोजीशन और H है, ठीक है ना। और बाकी सब में तो देखो अल्फा बीटा में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज 2 पे अगर हमारे पास पता है कि 2 पे OH नीचे लाया करता है तो OH नीचे है, ठीक है, इक्वेटोरियल पे है, H ऊपर है। 3 पे एक्सियल, ठीक है, नीचे कौन होता है, H ऊपर है OH, ठीक है। 4 पे OH H और यहाँ पर ऊपर CH2OH, ठीक है। तो ये चीज, तो फर्क यही है कि अगर ये OH अबव द प्लेन है, ठीक है, तो दिस जो मैंने ये बनाया है वो बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज है, ठीक है। तो दैट इज हाउ वी हैव ड्रॉन। तो अगर मैं यही अल्फा के लिए बनाता तो OH नीचे होता और H ऊपर होता, एंड सिंस हमें पता है कि जितने मोर बल्की ग्रुप इक्वेटोरियल पे होंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है ना, मोर बल्की ग्रुप्स एट इक्वेटोरियल पोजीशन, एट इक्वेटोरियल पोजीशन मींस मोर स्टेबिलिटी, ठीक है। तो दैट इज द रीजन व्हाई बीटा डी ग्लूकोज इज मोर स्टेबल, ठीक है। एज अ फैक्ट भी याद रख सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हो अल्फा के लिए खुद से बनाने के लिए, आपको पता लग जाएगा कि अल्फा बीटा में बीटा इज मोर स्टेबल एंड दैट इज वाई दिस परसेंटेज, राइट। नेक्स्ट इज अगेन, जैसे हमने ये चीज तो ऑलरेडी देख ली है, हॉवर्थ प्रोजेक्शन हम बनाना सीख चुके हैं, ठीक है। जैसे पायरान से डिराइव था, पायरानो स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज पायरान,
ठीक है, और अल्फा बीटा दे आर कॉल्ड एनोमर्स. नाउ वी आर कंफर्टेबल, व्हाई? बिकॉज दे डिफर एट सी वन पोजिशन, डिफर इन कॉन्फिग्रेशन. तो दे डिफर इन कॉन्फिग्रेशन एट सी वन पोजिशन. सो अल्फा बीटा हम आई थिंक वी आर कंफर्टेबल. अब ऐसा है कि और भी सीडो आइसोमर्स होते हैं जो कि अदर देन सी वन पे विच डिफर इन द कॉन्फिग्रेशन एट द कार्बन अदर देन सी वन, तो उनको हम बोलते हैं एपिमर्स. तो एपिमर्स क्या है? तो दे डिफर इन कॉन्फिग्रेशन एट कार्बन अदर देन सी वन. तो किसी और पोजिशन पे अगर वो डिफर करता है तो उसको आप एपिमर्स बोलते हो. फॉर एग्जाम्पल, अब हमें ग्लूकोज की स्ट्रक्चर तो पता लग गई. ग्लूकोज की स्ट्रक्चर एक बार बना देते हैं. ग्लूकोज की आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाओ, लेट से मैं अल्फा डी ग्लूकोज बना रहा हूं, तो अल्फा अल्फा ग्लूकोज ठीक है, विच मीन्स ऑक्सीजन ओ एच हैज टू बी एट द, दिस इज योर एनोमेरिक कार्बन ठीक है, और यहां पर हमारे पास दिस इज टू, तो ओ एच, तो एच यहां पर उल्टा होता है, और दिस इज सी फोर, तो फाइव एंड सिक्स ठीक है. तो दिस इज योर ग्लूकोज. तो हमारे पास दो हमें कंपाउंड, दो हमें आइसोमर याद रखने हैं ग्लूकोज के. फर्स्ट इज मैनोस. मैनोस इट डिफर्स एट सी टू पोजिशन, बाकी सारी पोजिशन सेम है. एंड देन वी हैव गैलेक्टोज. गैलेक्टोज डिफर एट सी फोर पोजिशन. तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो मैनोज एंड गैलेक्टोज हैं, दे आर एपिमर्स टू ग्लूकोज, राइट? दे आर एपिमर्स टू ग्लूकोज. तो फॉर एग्जांपल, एंड अगर हमें इतनी इंफॉर्मेशन पता है, लेट्स से इफ दिस इंफॉर्मेशन इज नोन टू अस, तो वी कैन इजीली राइट डाउन या ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मैनोज. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे मैनोज का स्ट्रक्चर बनाना होता, ऑफकोर्स अल्फा मैनोज, अल्फा डी मैनोज, तो हम कैसे बनाएंगे? अल्फा बना रहे हैं तो ये बनेगा, अगर बीटा मैनोज बनाना होता तो उल्टा हो जाता ठीक है. अब नाउ दिस चेंजेस एट सी टू, तो सी टू पे चेंज हो रहा है, तो सी टू का मतलब है अब OH यहाँ पर ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर नीचे हो जाएगा, बाकी सब सेम है. CH2OH, राइट? तो अगर हमने यहां पर देखा तो सी टू पोजिशन पे, C2 पोजीशन पे इट इज वेरिंग ठीक है. सिमिलरली यू कैन ड्रॉ बीटा मैनोज, वो बीटा डी ग्लूकोज का एपिमर होगा, C2 पोजीशन पे चेंज करना है, बाकी सब कुछ सेम है. अल्फा बीटा देखो एनोमेरिक कार्बन से डिफाइंड होते हैं, डिसाइड होते हैं, और हमारे पास जो एपिमर्स होते हैं ठीक है, वो अदर देन एनोमेरिक कार्बन ठीक है. और सिमिलरली अगर हम गैलेक्टोज की बात करें तो गैलेक्टोज में वो सी फोर पोजिशन से पे डिफरेंट होता है, राइट? तो सी फोर पोजिशन पे मैं सिर्फ चेंज कर दूंगा इसको, बाकी सब कुछ मैं सेम रखूंगा ग्लूकोज की तरह. तो दिस इज बेसिकली योर अल्फा डी गैलेक्टोज. तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस, बिकॉज ये चीजें प्रैक्टिस करोगे तो आई थिंक यू विल गेट कंफर्टेबल विद प्रैक्टिस, यू गेट कंफर्टेबल विद इट, बिकॉज देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं ठीक है. तो एक बार बस ग्लूकोज को अच्छे से कर लो, उसके बाद मैनोज गैलेक्टोज आप खुद से बना पाओगे. एंड सिमिलर, अच्छा आगे जैसे हमने सिर्फ जैसे इसको ग्लूकोज के लिए कर लिया, वैसे ही हम आगे फ्रक्टोज के लिए भी कर सकते हैं ठीक है. फ्रक्टोज के लिए हम फुरानो स्ट्रक्चर
देखते हैं। तो फुरानो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। तो आइडिया ये है कि एक बार हम कंफर्टेबल हो जाएं ग्लूकोज से, तो आई थिंक फ्रक्टोज वगैरह और बाकी जितने भी हैं स्ट्रक्चर्स हैं उससे भी ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पर अल्फा है, बीटा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसकी बात फ्रक्टोज की बात करूँ तो डी नेगेटिव फ्रक्टोज लिखा हुआ है। डी का मतलब है डी यहाँ से डिसाइड हो गया, और नेगेटिव का मतलब है इसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली नेगेटिव या काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, मतलब इसका अप्रोक्सीमेटली 90 होता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट हाउ इट इज डन। तो इट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भी जो थर्ड कार्बन है, ठीक है, वो चेंज कर रहे हैं वहां पर कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर वो OH, ठीक है, वो लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। अब यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही हो रहा है कि C5 का कार्बन, ठीक है, C5 का कार्बन C2 के कार्बन पे गया, ठीक है ना। तो यहाँ से जो अटैक है वो यहाँ पर गया, तो बिल्कुल वैसे ही हो गया। यहाँ पर भी एक कायरल सेंटर जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी लाइक एक बार आपने CH2OH और OH, एक बार OH को राइट साइड लिखा, एक बार OH को लेफ्ट साइड पर रखा, ठीक है ना। तो CH2OH को जनरली हम, ठीक है, अबव, ठीक है ना, सॉरी, वो ये वाला CH2OH हमेशा अबव द प्लेन आता है। और यहाँ पर अब अगर वहाँ पर OH राइट साइड पे है तो दैट विल बी अल्फा, अगर यहाँ पर OH लेफ्ट साइड पे है तो दैट विल बी बीटा। तो वी हैव स्ट्रक्चर लाइक दिस, तो वी गेट अल्फा एंड बीटा स्ट्रक्चर। तो आई होप दैट इज कंफर्टेबल विद अस। तो आई होप इस चीज को आप लिख के प्रैक्टिस करोगे तो इट विल बी फाइन, ठीक है। ओके, एंड देन वी हैव डाइसैकराइड्स। डाइसैकराइड्स कैसे बनते हैं, एक बार हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर से कंफर्टेबल हो जाएं, उसके बाद हमें देखना है कि हम वी मूव ऑन टू डाइसैकराइड। डाइसैकराइड्स कैसे बनेंगे, कोई भी दो मोनोसैकराइड्स की कॉम्बिनेशन से। उसमें जनरली क्या होता है कि हमारे पास दो OH हैं, ठीक है, उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। यहाँ पर वैसे OH था, यहाँ पर भी OH था, तो एक OH में OH नेगेटिव, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और हमारे पास एक ईथर लिंकेज आ गया। वैसे मान सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल दो अल्कोहल में से एक एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो तो आर ओ आर बन गया, जैसे ROH+ROH दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल ने उसकी डिहाइड्रेशन करवा दी तो ईथर बन गया। तो सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन, और तो दैट इज एन ईथर लिंकेज। एंड यहाँ पर इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक। अच्छा, यहाँ पर एनसीईआरटी में ये चीज गलत भी हुई है, तो यहाँ पर बेसिकली एच है, तो इसको हम थोड़ा सा, ठीक है, हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें याद क्या करना है, ठीक है, ग्लूकोज जैसे फॉर एग्जांपल सुक्रोज में हमें याद क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बेसिक यूनिट्स कौन कौन से हैं, मतलब अगर हम के वो किसकी कॉम्बिनेशन से बना है, या फिर सुक्रोज को जब हम हाइड्रोलाइज कर देंगे तो वो कौन कौन से बेसिक मोनोसेक्राइड्स को जनरेट करेगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी नीड टू रिमेम्बर। और जो लिंकेज है वो कौन कौन से कार्बन से हुई है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज में हमारे पास एक बेसिक यूनिट तो ये है, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। बाकी यहां पर कुछ भी हो सकता था, ठीक है, CH2OH, एच ओ एच एच, तो एच ओ एच, और यहाँ पर OH और EH, तो दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास C1 कार्बन है, दिस इज C1, तो दिस इज वन ऑफ द यूनिट। और जो दूसरा यूनिट कंबाइन किया वो किया हमारे पास बीटा डी फ्रक्टोज। तो मैं अगर बीटा डी फ्रक्टोज बनाऊं, ओके, तो यहां पर इसको मैं थोड़ा इस तरीके से बनाता हूं, बीटा बीटा का मतलब है OH जो है वो ऊपर आएगा, राइट। तो यहां पर H आएगा,
यहाँ पर OH आएगा और यहाँ पर OH आएगा, यहाँ पर मतलब H आएगा और यहाँ पर दिस इज H, दिस इज CH2OH. तो इफ आई नंबर दिस तो दिस इज योर 1, 2, 3, 4, 5 और 6. तो दिस इज योर एनोमेरिक कार्बन C2, दिस इज योर एनोमेरिक कार्बन C1. ठीक है. तो अच्छा, एनसीईआरटी ने बेसिकली ये थोड़ा इन्वर्ट करके बनाया है. जनरली हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज योर बीटा डी फ्रक्टोज, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. इसको चेंज कर देंगे, उल्टा OH को नीचे कर देंगे तो अल्फा डी बन जाएगा. तो एनसीईआरटी ने क्या कर दिया, बिकॉज इसको इस C1, इसके C1 को इसके C2 से कंबाइन करना था, तो इसने इसको इन्वर्ट कर दिया. तो C1 इसने अगर इन्वर्ट कर दिया तो सारे अपसाइड डाउन हो जाएंगे. तो दिस इज ऑल्सो इज अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, और हम इसको रिप्रेजेंट यहां से भी कर सकते हैं. अगर ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन कर दिया तो ये भी करेक्ट है. ठीक है, विच मीन्स के मतलब यहां से मतलब माइनस वाटर किया तो मैं इसी को क्या रहता हूं, दिस इज अ लिंकेज. तो दिस इज योर सुक्रोज. मतलब खुद से बनाना आना चाहिए, खुद से बनाएंगे तो दिस इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन. में पता है कि इसका C1 इसका C2 से कंबाइन. ठीक है, C1 पे जो OH है और यहाँ पर जो C2 पे जो OH था, ठीक है, उनके बीच में, ठीक है, उनसे उनके बीच में एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना. तो ठीक है, तो दैट इज योर सुक्रोज एज सच. और एनसीईआरटी रिप्रेजेंटेशन ये भी क्लियर होनी चाहिए, बट दिस इज बोथ आर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन एज सच. आइडिया ये है कि हमें पता ना चाहिए कि कहाँ से कहाँ पे लिंकेज बन रही है, किस कार्बन पे लिंकेज बन रही है. और दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, बिकॉज अगर यहाँ पर दोनों ही एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व है इन द लिंकेज, दैट इज वाई इट बिकम्स नॉन रिड्यूसिंग शुगर. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम माल्टोज की बात करें तो माल्टोज में ऐसा कुछ भी नहीं था. तो माल्टोज में आप देखो कि यहाँ पर हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज लिंकेजेस दोनों मतलब यूनिट्स दोनों सेम है. इसका C1 है और इसका C4 है और यहाँ पर OH नीचे, ऑफ कोर्स OH नीचे है, तो एक सीधा सा आपस में एक बॉन्ड बन गया, ग्लाइकोसाइड लिंकेज बन गया, दैट इज माल्टोज. तो C1 ऑफ, ठीक है ना, ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज इज लिंक्ड विद C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज. ठीक है, एंड दैट विल गिव अ माल्टोज. एंड सिमिलरली है लैक्टोज ऑल्सो. ठीक है ना, लैक्टोज में क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास गैलेक्टोज है. ठीक है ना, गैलेक्टोज, तो गैलेक्टोज का C1, गैलेक्टोज पता है ना हमारे पास C4 कॉन्फिग्रेशन पे बस चेंज करता है, इज एन एपिमर ऑफ ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज. ठीक है, यहाँ पर बीटा ग्लूकोज का एपिमर है. ठीक है ना, और बीटा है तो मतलब यहाँ पर OH ऊपर गया. ठीक है ना, OH ऊपर था और यहाँ पर बीटा डी ग्लूकोज, तो यहाँ पर इट इज, अच्छा बीटा डी है मतलब OH ऊपर है, लेकिन इसका जो कनेक्शन है, ये जो लिंकेज हुआ है वो C4 के साथ हुआ है, C4 और C1. तो दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, दैट इज व्हाट वी नीड टू स्टडी. तो इसी तरीके से मतलब जस्ट गेट कंफर्टेबल विद ऑल द स्ट्रक्चर्स. और ये एक बार तो देखो लिख के सबको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ठीक है, तब जाके थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है इनमें, बिकॉज इस पे आगे, ठीक है ना, और भी लाइक फॉर एग्जांपल अगर पॉलीसेक्राइड्स की बात करें तो उसमें भी एग्जैक्टली ऐसे ही करना है. तो जस्ट नो कि आपको इसका अप्रोच क्या है. तो दैट इज व्हाट वी नीड टू डिस्कस एंड प्रैक्टिस एज सच. तो सिमिलरली यू कैन गो रीड एनसीईआरटी, उसमें पॉलीसेक्राइड भी इसी तरीके से मेंशन है, राइट. ओके, नेक्स्ट इज, तो आई होप स्ट्रक्चर बेस्ड प्रॉब्लम हो जाएंगी. हमने डिस्कस काफी डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं, तो एक बार अब रिएक्शंस पे आ जाएं, बिकॉज रिएक्शंस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. और जनरली अगर हम रिएक्शंस कर रहे हैं तो इट इज ओके टू यूज द स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर जो है हमारा ग्लूकोज का. तो ग्लूकोज के रिएक्शन हम कर सकते हैं, ठीक है. और मतलब फॉर एग्जाम्पल और जो बाकी जो रिएजेंट्स होते हैं वो काफी कॉमनली यूज रिएजेंट्स होते हैं. मतलब उसमें कुछ नया नहीं होता, कुछ एक आध रिएक्शन ही है जो कि हमारे लिए नया हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर ग्लूकोज, राइट. तो ग्लूकोज है मतलब अंटिल अनलेस कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होता तो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर ग्लूकोज, राइट. अदरवाइज अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर मेंशन है देन यू हैव टू टेक साइक्लिक स्ट्रक्चर, बट उसके रिएक्शन भी सिमिलर टाइप्स ही होंगे, ठीक है. तो अभी जैसे ग्लूकोज ये दिया हुआ है तो उसका रिएक्शन विद HIO4, तो हमें पता है HIO4 क्या करता है. HIO4 बेसिकली कंजगेटिव, हमारे पास अगर बेसिनल
डायोल्स हैं तो उसमें एक स्टेप ऑक्सीडेशन करके बॉन्ड ब्रेक करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से. तो दिस ऑल रिएक्शन हैव बीन डन बिफोर, है ना. तो यहाँ मतलब एक स्टेप ऑक्सीडेशन बढ़ा गया, मतलब यहाँ पर हमारे पास दिस ग्रुप इज कन्वर्टेड टू सी ओ एच सी ओ एच. तो यहाँ पर दो बार टूटा है तो ये दो बार हमारे पास ऑक्सीडाइज हो जाएगा. ओ एच है तो पहले सी एच, दो बार ऑक्सीडेशन का एल्डिहाइड एंड देन एसिड. तो दिस ग्रुप इज कन्वर्टेड टू एसिड. ये वाला जो पार्ट है दैट इज ऑल्सो कन्वर्टेड टू एसिड. दिस ऑल्सो कन्वर्टेड टू एसिड. दिस ऑल्सो कन्वर्टेड टू एसिड. और ये वाला जो बचा है दिस इज लाइक वन स्टेप ऑक्सीडेशन. तो हमारे पास इट विल गेट ऑक्सीडाइज टू एच सी एच ओ. तो ये एक हमें क्वेश्चन है, ये जो रिएक्शन है रिएक्शन विद एच आई एफ फोर, ये हमने एल्डिहाइड्स कीटोन्स वाले रिएक्शन चैप्टर में पढ़ा है. तो दैट वी कैन अप्लाई टू ग्लूकोज एज वेल. ठीक है, तो बॉन्ड कहाँ से ब्रेक करना है और कितने स्टेप ऑक्सीडेशन होती है. ठीक है, तो इट विल बेसिकली फॉर्म फाइव मोल्स ऑफ फॉर्मिंग एसिड. तो दिस इज द क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड. ठीक है ना, और एक मोल ऑफ एच सी एच ओ भी बनता है. ठीक है, और अगर हम रिएक्शन विद एन ए बी एच फोर करें, एन ए बी एच फोर इज द रिड्यूसिंग एजेंट. तो रिड्यूसिंग एजेंट हमने रिडक्शन के रिएक्शन करे हैं. तो रिड्यूस हो गए, बस ये ग्रुप है जो रिड्यूसिंग है. तो बस फर्क क्या होगा, ये आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम हो जाएगा. राइट, तो सॉर्बिटोल, तो दिस इज योर सॉर्बिटोल एज सच. ठीक है, तो जो एन ए बी एच फोर है वो सी एच ओ को रिड्यूस करके सी एच टू ओ एच बना देगा. और हमारे पास आ गया ब्रोमीन वाटर. तो ब्रोमीन वाटर जो है, ठीक है, वो इट इज एन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमारे पास जो ये सी एच ओ है, ठीक है, इट विल बी ऑक्सीडाइज टू COH. तो बाकी की कॉन्फ़िगरेशन कोई छेड़ नहीं होती. राइट, तो दिस इज OH, दिस इज OH, दिस इज H, दिस इज OH. ठीक है, H OH H. तो दिस इज योर ग्लूकोनिक एसिड. राइट, अब HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, तो अब क्या करेगा, तो ये इन दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा, है ना. तो इट कैन गेट ऑक्सीडाइज. तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा तो वो कुछ सैक्रिक एसिड बनेगा. सैक्रिक एसिड मैं उसका शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ. तो सैक्रिक एसिड बनेगा, मतलब ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप दोनों को COH में कन्वर्ट करेगा. बेसिकली अगर आप ग्लूकोनिक एसिड को भी ऑक्सीडाइज कर दोगे तो HNO3 के तहत में, तो वो भी सैक्रिक एसिड ही बना देगा. ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो हमारे पास जनरल रिएजेंट्स होंगे विच वी शुड बी एबल टू डू देम. ठीक है, बट इंपॉर्टेंट जो नया रिएक्शन है वो है ओजाजोन फॉर्मेशन, दैट इज द रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजिन. ठीक है, तो दैट रिएक्शन इज लिटिल बिट इंपॉर्टेंट. तो दिस इज OH 1 2 3 4. दिस इज ऑल्सो OH, दिस इज H, OH. राइट, ठीक है. तो हमारे पास जो रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजिन है, तो व्हाट इज फिनाइल हाइड्राजिन, राइट, दिस इज फिनाइल हाइड्राजिन. तो इसमें हमें पता है कि सी डबल बॉन्ड ओ के साथ ये रिएक्ट करता है. ठीक है, तो हमारे पास जब एक मोल होगा, ठीक है, तो हमारे पास यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ है, तो एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया यहाँ पर. तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वी ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. यहाँ पर OH और H, OH, H.
पर यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या होता है, यहाँ पर अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आगे ये फर्दर क्या करता है, आगे ये C2 को भी ऑक्सीडाइज करके, C2 को भी जो C2 पोजीशन है इसको भी ऑक्सीडाइज करके आगे रिएक्ट कर देता है। तो मतलब हमारे पास आगे इसके फिनाइल हाइड्राजिन के 2 मोल और यूज होंगे, ठीक है। तो पहला मोल क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ बना देगा और इवेंचुअली हमारे पास C2 पे भी रिएक्शन हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट एंड दिस इज कॉल्ड ओजाजोन। ठीक है, एंड दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज़ एंड हाउ इट इज इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता था कि हाउ मेनी मोल्स कैन बी यूज्ड। तो एक तो ये चीज याद रखनी है कि टोटल 3 मोल यूज होते हैं, ठीक है, और C1 और C2 पे रिएक्शन होता है। मतलब ये ऐसा हो सकता है कि आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर सकता है, बिकॉज जो हमारे पास जो एपिमर्स हैं जो के C2 पे डिफर करते हैं, एपिमर्स दैट डिफर एट C2 विल गिव सेम ओजाजोन। मतलब अगर मैं बोलूं कि अगर हम ग्लूकोज एंड मैनोज को रिएक्ट करवाएं फिनाइल हाइड्राजिन के साथ, तो दे विल फॉर्म सेम ओजाजोन। तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन एज सच। ठीक है, ओजाजोन फॉर्मेशन एंड अदर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, राइट? ओके, सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव कंप्लीटेड इन दिस पर्टिकुलर इस चैप्टर में। जो जो इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर बेस्ड हो गया, रिएक्शन भी हम हो सकते हैं। एक और चीज देख लेना कि हमें टेस्ट ध्यान रखने होते हैं। तो मॉलिस टेस्ट इज अ टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो मॉलिस टेस्ट हमें ध्यान रखना है कि इसमें, बिकॉज क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अच्छा कि इसमें से आइडेंटिफिकेशन, ये मॉलिस टेस्ट किसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होगा, तो याद रखना है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स की डिटेक्शन के लिए यूज होता है। मतलब आप इसको देख सकते हैं कि फॉर दिस टेस्ट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ 1% अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नाफ्थोल इज एडेड, राइट, टू एन एक्वस, टू 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसमें हमें बी फॉलोड बाय केयरफुल एडिशन ऑफ 2 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेट एस सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर डीप वायलेट रिंग बन जाती है तो दैट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट। तो दिस इज कॉल्ड मॉलिस टेस्ट व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स एज सच। ओके, सो हमें थ्योरी ऑलमोस्ट कार्बोहाइड्रेट्स की कर ली है। अब जो एक बार क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन इसमें से कैसे पूछे गए हैं या कैसे पूछे जाते हैं इस टाइप के। तो जैसे मैं बोला कि स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन आया था, अमाइलोपेक्टिन इज कंपोज्ड ऑफ, सो अगेन आई जस्ट लाइक टू रिइटरेट कि हमें स्ट्रक्चर्स अच्छे से करनी है एंड अगेन रीड एनसीईआरटी। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम हो जा रही है, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन का ये स्ट्रक्चर हमें पता है, उसमें हमें लिंकेजेस पता होनी चाहिए कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो इसमें जो होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज होता है, और जो लिंकेजेस होती हैं वो C1C4 लिंकेजेस हैं और C1C6 भी है। तो C1C6 लिंकेजेस भी हैं और ये जो है वो C1C4 लिंकेजेस भी हैं। तो जस्ट रिवाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, उसके बाद जितने भी हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स हैं, तो जस्ट डू इट फ्रॉम एनसीईआरटी, राइट। तो दिस इज अ डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। अगेन जैसे मैं बोला था, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर हैविंग आइडेंटिकल कॉन्फिगरेशन इन ऑल पोजिशन एक्सेप्ट। तो हमें पता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर एपीमर्स which differ at C4 position. So we have already drawn the structure, so we know how to solve this problem. So now let's see, हमने कार्बोहाइड्रेट्स को कवर कर लिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इन दिस, दैट इज अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स क्या है? अमाइनो एसिड में भी कुछ चीजें हैं जो काफी हम इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
they are the molecules which contain both amine group as well as carboxylic acid. ठीक है ना, तो amino acid just by the definition of it, just by the name of it, तो it contains both NH2 and carboxylic acid as the functional groups. ठीक है ना, और तो this is the basic representation of an amino group. This is an amino, not amino group, amino acid, sorry. ठीक है ना, तो अमाइनो एसिड्स की बात कर रहे हैं, तो इट दिस इज एन अमाइनो एसिड रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. तो आइडिया ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल इफ आर इज नॉट इक्वल टू एच, ठीक है, तो अच्छा तो वी आर ओके, तो ये जो लिखा है वो हमने अल्फा अमाइनो एसिड लिखा है, तो अगेन इट कुड बी अल्फा बीटा, बट हमें जो करना है वो अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं. ठीक है, हमारे जो सिलेबस में इट कुड बी बीटा गामा आल्सो, बट हमारे क्यों, बिकॉज जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स, तो जो हम हमें हम फोकस करेंगे वो अल्फा अमाइनो एसिड्स पे करेंगे, बिकॉज देखो ये जो पोजिशन है ना वो अल्फा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इसके साथ जो NH2 लगा है दैट इज योर NH2 ग्रुप. ठीक है, तो दिस इज अ बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अल्फा अमाइनो ग्रुप, और इसको अगर हम पॉलीमराइज कर देंगे तो प्रोटीन बन जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास जो टिपिकल जो अमाइनो अल्फा अमाइनो एसिड है वो यहाँ से ही बनेंगे. ठीक है, और अगर R इज नॉट इक्वल टू H तो ऐसा हो सकता है कि मोस्ट ऑफ देम आर कायरल, तो अगर तो ये कायरल सेंटर्स हो जाएंगे, मतलब हमारे पास एक ही ऐसा जो अमाइनो एसिड्स है जो कि कायरल विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो दैट इज गोइंग टू बी ग्लाइसिन, ऑप्टिकली इनएक्टिव. ठीक है ना, जिसमें R इक्वल्स टू H होता है. ठीक है, और हमारे पास लेट्स से कुछ और प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं, मतलब जनरली दे हैव L कॉन्फिगरेशन. L configuration, ठीक है ना, इस तरीके से, और हमें ग्लाइसिन के साथ अगर हम दो अल्फा अमाइनो एसिड्स को कंबाइन कर देंगे तो वो कंबाइन कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल आई टेक ग्लाइसिन एज सच, दिस इज योर ग्लाइसिन, और मैंने जो दूसरा अमाइनो एसिड लिया राइट, तो ये मैंने लिया, तो ये हमारे पास दिस इज अनदर ग्लाइसिन एंड एलानाइन. ठीक है, तो जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स में किया था, तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास जो आपस में जो मोनोसैकेराइड्स आपस में जो लिंकेज बनाते थे वो ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज थी, तो सिमिलरली यहाँ पर जो अमाइनो एसिड्स हैं they can also form a link, तो आपस में जो कंबाइन होते हैं they combine through, तो यहाँ से OH गया, यहाँ से एक H गया. ठीक है, तो हमारे जो लिंकेज बनी that is called a peptide link. ठीक है ना, तो this is your peptide. पेप्टाइड लिंकेज, तो आइडिया बिल्कुल वैसे ही करना है, अगर आप इसको हाइड्रोलाइज कर दोगे तो वापस से हमें यही वाले अमाइनो एसिड मिल जाएंगे, ग्लाइसिन एलानाइन बन जाएगा. और रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी इस पर्टिकुलर पेप्टाइड की, दिस इज अ डाइपेप्टाइड, सिमिलरली ट्राइपेप्टाइड टेट्रापेप्टाइड ऐसे बन सकते हैं, इट विल बी ग्लाई एंड एला. ठीक है, और यही चीज अगर हम लाइक अगर 100 से ज्यादा लाइक हमारे पास पॉलीपेप्टाइड्स बने तो दे आर जनरली रेफर टू एज प्रोटीन्स, तो अगर हमारे पास अगर मोर देन 100 कंबाइन करेंगे तो दे विल फॉर्म प्रोटीन्स.
राइट right. तो आइडिया यही था, जैसा हमने कार्बोहाइड्रेट्स के साथ किया एग्जैक्टली वैसा ही हमें प्रोटीन्स में भी करना है. ठीक है, उसमें भी जब बेसिक जो यूनिट है, जो बेसिक हमारे पास यूनिट है, दैट इज बेस योर अल्फा अमीनो एसिड, दे आर द मोनोमर्स एज सच, जो आपस में लिंक बनाते हैं. ठीक है, किस तरीके से लिंक बनाते हैं, ठीक है, दे आर पेप्टाइड लिंकेज बनाते हैं. ठीक है, विच इज बेसिक नथिंग बट एन अमाइड लिंकेज, राइट, सिंपली अमाइड लिंकेज. तो अगर इस पे कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्शन भी आते हैं तो वी कैन इजिली डू इट. इंपॉर्टेंट इज hydrolysis reaction, okay, and their representation also. Okay, so very important point, जो बहुत important characteristic होता है, ठीक है, किसी भी let's say amino acid का, तो let me take any amino acid as such. हमारे पास let's say ये है. तो इसको अब इसकी हम अगर प्रॉपर्टी देखें तो इट हैज टू ग्रुप्स, ये एसिडिक है और ये बेसिक है. वन ऑफ देम इज एसिडिक, वन ऑफ देम इज बेसिक. ठीक है, विच मींस इट कैन एक्ट एज एसिडिक एज एन एसिड ऑल्सो, एज एन बेस ऑल्सो, तो विच मेक्स इट एज एन एम्फोटेरिक स्पीशीज. तो अगर ये लेट से इसको मैं एच पॉजिटिव की प्रेजेंस में डालूंगा तो इट कैन प्रोटोनेट, तो ये बेस से रिएक्ट कर जाएगा, तो ऐसा कुछ बना देगा. और अगर मैं इसको OH नेगेटिव की प्रेजेंस में डालूंगा तो इट कैन एक्ट एज अ बेस, ऐसा कुछ हो जाएगा. ठीक है, मतलब इट कैन, इट हैज अ टेंडेंसी टू एक्ट एज बोथ एज, ठीक है ना, बोथ एसिड एंड बेस, तो विच मेक्स इट एन एज एन एम्फोटेरिक स्पीशीज. तो अगर तो देखो एसिडिक मीडियम है तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर इसका बेसिक मीडियम है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा. मतलब अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो इट विल मूव टूवर्ड्स ईदर ऑफ द पॉजिटिव और द नेगेटिव इलेक्ट्रो डिपेंडिंग अपॉन द पी एच एस सच. मतलब बट एक ऐसा चीज हो सकती है जहां पर ऐसा मान के चले कि ये पॉजिटिव चार्ज इज कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड विद द, कम्प्लीटली बैलेंस्ड विद द नेगेटिव चार्ज, जहां पर ये पूरा न्यूट्रल होता है, और उसको हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का ऐसा का मतलब ये होता है कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये इस, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव, दिस पॉजिटिव चार्ज इज बैलेंस्ड आउट बाय द नेगेटिव चार्ज, एंड बेसिकली दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ज्यूटेराइन, दिस इज अ ज्यूटेराइन. तो मतलब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जब पॉजिटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय द नेगेटिव चार्ज, सो दैट अगर अब ये किसी भी तरफ मूव नहीं करेगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इसको हमने अप्लाई भी किया तो. और यहाँ पर इसकी और एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, बिकॉज नाउ इट बिहेव्स एज एन एम्फोटेरिक स्पीशीज एज सच, हमारे पास दोनों स्पीशीज हैं, तो पी एच इक्वल्स टू पी के वन प्लस पी के टू बाई टू, मतलब पी के वन प्लस पी के टू बाई टू इन दोनों के लिए, तो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन हो सकती है और उसको उसी तरीके से यूज करने. तो दैट इज अ डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड. एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर ले रखी हैं, तो ऑब्वियसली मैंने थ्योरी साइड में बता दी, बट डायरेक्टली क्वेश्चन आता है. फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन कैसे होंगे और उसको यूज कैसे करना है, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग. जैसे हमारे पास यहाँ पर ये एसिडिक है, ठीक है, ये सी ओ एच है और ये एन ए एन एस थ्री पॉजिटिव है, दोनों की पी के वैल्यू गिवन है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर पी आई इज द पी एच एट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. तो सिमिलरली आपके पास दो वैल्यू होंगी, इन दोनों को ऐड करके उसका उनका एवरेज कर लेना है, तो पी के वन प्लस पी के टू बाई टू, तो हमारे पास 2.34 प्लस 9.69 बाई टू. तो अगर तो एक एक ही है यहाँ पर तो हमारे पास ठीक है, तो दोनों लेके उसका बस एवरेज आउट कर, बट हमारे पास दो और केसेस आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि हमारे पास इसमें लेट्स से जो साइड चेन है उसमें लेट्स से अमाइन ज्यादा है, ठीक है ना, लेट्स से उसमें NH2 ग्रुप ज्यादा है, ठीक है, तो उसमें हमें पी आई कैसे निकालना है, ठीक है ना. तो सिंपल सी बात है, जो सिमिलर स्पीशीज है ना उनका पीके लेना, ठीक है ना, उनको पीके लेना, ठीक है, बिकॉज न्यूट्रलाइज करना, तो ये जो आयनाइज जो बेसिकली अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए कर रहा होगा, तो ये एच पॉजिटिव यूज करेगा, ये भी करेगा, ठीक है ना. तो
सिंपल सी बात है, इसको थोड़ा सा इजी रखते हैं, इजी लैंग्वेज में बोलते हैं कि अगर आपके पास हमारे पास NH2 और COH मतलब दोनों के pKa वैल्यूज गिवन है ऐसे, ठीक है, तो उसमें जो सिमिलर स्पीशीज हैं उनको लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो pH के लिए pK1 और pK2 लूंगा, कौन से लूंगा, मेरे पास तीन ऑप्शन थे, एक तो ये था, एक ये था और एक था, तो आई से कि टेक द सिमिलर स्पीशीज एज सच। तो इसके लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे pH क्या आ जाएगी, तो इसका pK ओके और इसका pK बाय टू। अच्छा, इसकी pK वैल्यू कुछ गिवन होनी चाहिए थी, लेट से ये pKa कुछ गिवन है, लेट से कुछ x है, तो ये लेना है। एक्चुअली यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया, बट आई होप यू गॉट द पॉइंट, बाय टू। तो ये x मतलब जो भी pKa है यहाँ पर जो गिवन है, तो दैट इज द वैल्यू यू हैव टू टेक, मतलब इसका नहीं लेना है, COH का लेना है। और सिमिलरली अगर मैं ग्लूटामिक एसिड का लूँ, ग्लूटामिक एसिड इज इसमें आपके पास दो COH गिवन है, एक ये गिवन है और एक ये गिवन है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास और दो सिमिलर स्पीशीज हैं, वो दो COH हो गया, तो एक की pKa ये है, दूसरे की pKa ये है, तो इसका pI क्या होगा, 4.25, pI क्या होगा, 4.25 प्लस 2.19 बाय 2। तो दिस इज हाउ यू डील विद इट, ठीक है। तो pH एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, मतलब आइडिया ये है कि अमाइनो अल्फा अमाइनो एसिड्स एक एम्फोटेरिक स्पीशीज की तरह बिहेव कर सकती है, विच हैज बोथ द एसिडिक एज वेल एज द बेसिक यूनिट्स एज वेल, ठीक है। तो उसमें अगर हम आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशीज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे pH निकालना चाहते हैं, तो वी शुड बी यू नो वेरी कंफर्टेबल डायरेक्टली अप्लाइंग द फॉर्मूला एज सच, ठीक है। तो अगर तो हमने तीनों केसेस कर लिए, ठीक है। And of course, while we have discussed the theory and the logic, जो भी हमें करना है, एक चीज जिसको हम थोड़ा सा avoid करते हैं लेकिन बहुत important है, वो ये है कि अभी हमें list of amino acids को याद रखना है, practice करना है, लिख के देखना है, because categorization of amino acids is important. Acidity, basicity में इसके question पूछे जा सकते हैं, मतलब देखो हमने amine को तो discuss कर ही लिया कि हमारे पास ये इस तरीके से अमाइन हो सक अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड्स। तो डिपेंडिंग अपॉन आर इट कैन बी कैटेगराइज इन टू एसिडिक और बेसिक, ठीक है ना। अगर एन एच टू ग्रुप ज़्यादा है, ठीक है ना, तो फिर वो बेसिक हो जाएगा, अगर सी ओ एच ज़्यादा है तो वो एसिडिक हो जाएगा। तो इस तरीके से कैटेगराइजेशन है। तो डिपेंडिंग अपॉन द आर हमारे पास एक लिस्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स है, विच इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जस्ट गो थ्रू इट एंड बेसिकली लर्न द फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ग्लाइसिन, एलेनाइन, वेलाइन, ल्यूसाइन, वो सारे हैं। देखो ग्लूटामिक एसिड अभी किया था, एस्पार्टिक एसिड भी किया था, ग्लूटामाइन भी किया था। तो ये सारे एक बार आपको करने पड़ेंगे और इसकी या इसकी ठीक है इसकी स्ट्रक्चर्स को आपको लिख लिख के याद करना पड़ेगा। हिस्टिडीन आ भी चुका है पेपर में, ठीक है। तो भैया इसको अवॉइड नहीं करना, ठीक है, थोड़ी सी एफर्ट लगाओगे हो जाएगा। और ये NCERT बेस्ड है, NCERT से और जेई मेंस में खास तौर पर, ठीक है, इसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी होती है कि इसमें से डेफिनेटली किसी ना किसी पेपर में तो आ ही जाएगा, ठीक है, चाहे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ ली जाए या बेसिक स्ट्रेंथ पूछ ली जाए। तो जस्ट डू नॉट इग्नोर द लिस्ट विच इज मेंशन इन योर NCERT एज सच। और वही है कि आगे हमने देखो लॉजिक्स तो बहुत सारे डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन आइडिया ये है कि अब जैसे मैंने बोला कि थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, ठीक है, उसमें कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट डिस्कस हो गए हैं लेकिन इंफॉर्मेशन काफ़ी रहती है, तो जो जिसको हमें, ठीक है, इग्नोर नहीं करना है, आइडिया यही है। तो अगेन सिमिलरली जैसे हमने अमाइनो एसिड्स कर लिए, कार्बोहाइड्रेट्स कर लिए, ठीक है, अब आइडिया हमें एक बेसिक आइडिया लग गया है कि कॉन्सेप्ट तो यही है, बाकी कुछ चीज़ें याद करने वाली हैं जो हमें करनी है। जैसे न्यूक्लिक एसिड में हमें DNA RNA का एक बार स्ट्रक्चर पढ़ लेना है और उसमें कौन कौन सी बेसिस हैं इसको आप याद कर लें। तो दिस इज अगेन सम इंफॉर्मेशन विच यू मस्ट रिमेंबर from your NCERT. For example, DNA contains four bases, adenine, guanine, cytosine and thymine. ठीक है, पूछा जा सकता है कि कौन सी बेस नहीं होती, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। और RNA में भी कौन सी बेसिस होती हैं, फोर बेसिस हैं, फर्स्ट थ्री बेसिस तो सेम है, ठीक है, बट फोर्थ वन इसमें यूरेसिल होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और क्वेश्चन को करने का तरीका विच इज नथिंग बट एन इंफॉर्मेशन बेस्ड है, ठीक है। तो एज सच आई थिंक वी हैव नाउ completed most of the
theory and concepts and problems in your biomolecules and polymers. So idea वही रखना है, ठीक है, कि concepts हमने gain कर लिया, then you go with the archives, question कैसे पूछे जाते हैं, and do not skip the information या याद करने वाले stuff. अगर practice करोगे वो एक page पे लिख लो, एक उसको summarize करके लिख लो, और जो paper से एक दो मतलब daily एक एक बार उसको बस नजर मार लो, और जब paper जब नजदीक आएगा उसको अच्छे से एक बार देख के जरूर जाना. So that is how you are going to go about it. And same goes with जो कि मैंने biomolecules के last part में बोला, वही चीज मैं polymers और chemistry in everyday life के लिए जरूर बोलूंगा कि उसमें भी आपको बेसिकली आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है. पॉलीमर्स में भी आपको, जैसे पॉलीमर्स की बात करें, ठीक है, तो पॉलीमर्स में आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरीके का पॉलीमर है. इट्स ऑल कम्प्लीटली थ्योरी, ठीक है. मोनोमर क्या है, उसका मोनोमर क्या है, को पॉलीमर क्या है, वो सारे रिएक्शन एनसीईआरटी, बिकॉज अगर क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी के बाहर नहीं आएगा. एंड विच आई कैन प्रूव इट टू यू कि जितने भी ये क्वेश्चन है जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो एग्जैक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है. The nothing is outside NCERT. Same goes with chemistry in everyday life. Chemistry in everyday life में you get so many different type of compound. मतलब ऐसा है कि वहाँ पर structures given हैं, वो आपको लिख के देखने पड़ेंगे, है ना? पूरा NCERT. अच्छी बात ये है कि NCERT के बाहर कुछ नहीं आएगा. थोड़ी सी एफर्ट लगती है, ठीक है. एक समराइज बना लो, मतलब आपको जो जो नए कंपाउंड्स लिखते हैं उसको अलग से पेपर पे लिखना शुरू कर दो. और ऐसा है कि आपको, देखो, बुक्स में जरूर लिखे मिलेंगे, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं लिखोगे तब तक दिक्कत हो जाएगी. यू हैव टू राइट डाउन विद यू हैव टू राइट डाउन ऑन अ पेपर बाय योरसेल्फ, ठीक है ना? तो उस चीज की प्रैक्टिस की आदत डाल लीजिए, ठीक है. तो लेट अस एक बार इसको जस्टिफाई करते हैं कि अच्छा क्वेश्चन कैसे पूछेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पॉलीमर्स की बात करूँ, ठीक है, तो पॉलीमर्स में देखो, दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन 2019, ठीक है. तो द करेक्ट नेम ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज, ठीक है. तो ऑफकोर्स ये ऑप्शन में देख के, पहली ऑप्शन के देखते हैं, दिस इज पॉली आइसोब्यूटाइलिन. तो ये देख के पता लग रहा है कि दिस इज पॉली आइसोब्यूटाइलिन. आइसोब्यूटाइलिन क्या होता है? This is isobutylene, ठीक है. और अगर इसको पॉलीमराइज कर देंगे तो ये बन जाएगा. मतलब अगर मैं इसको आइसोमराइज कर दू, सो नॉट आइसोमराइज, इट्स बेसिकली पॉलीमराइज, सॉरी. तो इट इज इसकी पॉलीमराइजेशन अगर मैं कर दूं तो ऑब्वियसली, ठीक है, ये बॉन्ड है, हमें पता है कि रेडिकल मैकेनिज्म है, वो गिवन है, ठीक है. तो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है. तो इट इज गोइंग टू बी CH2, यहां से एक चेन बनेगी, तो दिस इज व्हाट इज आस्क्ड एक्चुअली. और बेसिकली यही आपका फर्स्ट ऑप्शन है. तो सिंपल ऑप्शन थी पॉली आइसोब्यूटाइलिन की आइसोब्यूटाइलिन की पॉलीमराइजेशन से पॉली आइसोब्यूटाइलिन बना, ठीक है. तो इसी तरीके से जैसे ये क्वेश्चन आया, वैसे आपको देखो हर देखो ऑर्गेनिक के चैप्टर में देखो एक पीछे ना पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन जरूर होगा, तो उसको ना हमें इग्नोर नहीं करना होगा. जैसे इथीन की पॉलीमराइजेशन से क्या बना, ठीक है ना, दैट इज पॉलीथीन, ठीक है ना. और वो बेसिकली यहाँ पर भी मेंशन है, देखो अगला क्वेश्चन में आया ही है, ठीक है. उसके बाद जैसे, और कैटलिस्ट कौन सा यूज हुआ, ये काफी इंपॉर्टेंट है. जैसे इथीन में हम पॉलीथीन बनाने के लिए जिग्लर नाटा कैटलिस्ट यूज करते हैं. सिमिलरली जैसे इथाइन की पॉलीमराइजेशन से बेंजीन बनता है आयरन और हॉट रेड हॉट आयरन ट्यूब में लेके. तो वैसे एग्जाम्पल्स को भी हमें इग्नोर नहीं करना होता, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन थ्योरी बेस्ड. करेक्ट मैच बिटवीन आइटम 1 एंड आइटम 2. 1:1 कॉलम है, देखो पॉलीइथाइलिन हाई डेंसिटी HDPE को मैच करना है. ऑफ कोर्स किससे मैच हो रहा है, जिग्लर नाटा कैटलिस्ट से, हमें पता है, ठीक है. एंड व्हाट इज जिग्लर नाटा कैटलिस्ट, ये भी पता होना चाहिए. तो इट इज टेट्राक्लोरोटाइटेनियम प्लस ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम, ठीक है ना. कई बार डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि अच्छा जिग्लर नाटा कैटलिस्ट का फॉर्मूला क्या है, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है. एंड देन यू हैव पॉलीएक्रोनाइट्राइल. अच्छा पॉलीएक्रोनाइट्राइल, अच्छा बाकी के मैं ये देखूंगी आपके
जो बाकी के जो रिएक्शंस है ना, जैसे नोवोलैक हो गया, नायलोन 6 हो गया, पॉलीएक्रोनाइट्राइड, ये सारे के सारे रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन है। मतलब आपको बस क्या करना था, ठीक है, आपको मोनो, आपको पॉलीमर का नाम लिखना है, एक टेबल बनाना है, उसका उसका मोनोमर क्या होगा एंड व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट अंडरगोस, तो आप एक टेबल बना के उसको कंप्लीटली उसको लिख सकते हो, और वो खुद बनाओ तो दैट इज ऑलवेज बेटर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से एक्रोनाइट्राइल, पॉलीएक्रोनाइट्राइल है तो ऑब्वियसली एक्रोनाइट्राइल है, दिस इज एक्रोनाइट्राइल, इसकी पॉलीमराइजेशन तो ऑफ कोर्स परऑक्साइड कैटलिस्ट यूज होके, तो सिमिलर टाइप का परऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो हमारे पास पॉलीएक्रोनाइट्राइल बन रहा है, तो दिस पॉलीएक्रोनाइट्राइल इज फॉर परऑक्साइड कैटलिस्ट। एंड देन यू हैव नोवोलैक, दिस इज योर नोवोलैक, ये वाला। अच्छा, नोवोलैक पढ़ते कहां पर हैं, जब हम बैकलाइट, बैकलाइट की फॉर्मेशन करते हैं, तो जिसमें हमारे पास जो को पॉलीमर्स हैं वो ध्यान रखना है कि हमारे पास फिनॉल होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है ना, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, जो कैटलिस्ट होता है वो एसिडिक होता है, एसिड H positive. तो basically it's an electrophilic substitution reaction on the benzene ring due to this basically a very highly activated OH. तो अगर मेरे पास एक simple chain बन रही है तो वो novolac है, अगर एक cross product भी मतलब बहुत सारी like extensive branching होगी तो that is your backlight. अच्छा, and nylon 6. अच्छा, nylon 6 वाला reaction थोड़ा मैं इसको mark करूँगा because quite important. Caprolactam is the monomer. Not monomer, let's say इसके hydrolysis से this is caprolactam और इसकी hydrolysis से nylon 6, मतलब basically hydrolysis, this is an amide group और इसकी hydrolysis से हमारे पास ये बन गया, और मतलब यहाँ पर NH2 और COH आ जाएगा और उसके बाद further condensation से ये nylon 6 बना देगा। अच्छा, ये caprolactam हम और ये कैसे पूछा जा सकता है, ये भी ये हमने और भी एग्जांपल्स में इसको देखा होगा, मतलब आपने ये रिएक्शन जरूर करा है, तो यू कैन जस्ट अटेम्प्ट, तो इसका रिएक्शन हमारे पास हाइड्रोक्सिलामाइन और एच पॉजिटिव के साथ है ना, एंड देन यू हैव दिस, देख NOH, ये हो गया। अब इसको आप एच पॉजिटिव में डालोगे देन यू गेट कैप्रोलैक्टम, तो ये हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन्स या अमाइंस में ये रिएक्शन आता है, दिस इज बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपके पास हाइड्रोक्सिलामाइन का रिएक्शन कीटोन्स के साथ, आपके पास दिस इज साइक्लोहेक्सेनॉन एंड देन एच पॉजिटिव में दिस इज बेकमैन्स रीअरेंजमेंट, तो जस्ट टू revisit that thing, और यहाँ पर हमारे पास इसकी hydrolysis कर दोगे और फिर polymerization कर दोगे then you get nylon 6 back. तो I hope this particular reaction question is clear to us. ठीक है, तो जो novolac है, ठीक है, वो is acid or base catalyst and finally nylon 6 is condensation at high temperature, तो condensation polymer. ठीक है, तो अगेन इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट एंड जस्ट रीड योर एनसीईआरटी ऑफ कोर्स। तो द स्ट्रक्चर ऑफ नायलॉन अभी हमने जो किया, ठीक है, जो नायलॉन 6 है कैप्रोलैक्टम, उसकी हाइड्रोलिसिस, कैप्रोलैक्टम की हाइड्रोलिसिस करवाई तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बना, ठीक है ना, और ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर ये हो गया। तो आई थिंक द क्वेश्चन, आपको पता है कि ये जेई में पूछा गया है और ये देखो नायलॉन 6 पे देखो बार बार दो क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना, तो एक में कैप्रोलैक्टम का आ गया, एक में स्ट्रक्चर ही पूछ लिया है ना, कि हमारे पास दिस इज द मोनोमर और जब ये हमारे पास पॉलीमराइज करेगा तो ऑफकोर्स यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा, तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू अस। तो अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पॉलीमर, तो दिस इज अगेन अ पॉलीमर जो कि आपके पास देखो एनसीईआरटी में ना बिल्कुल लास्ट पे उसके जब जहां पर जब समरी से जस्ट ऊपर एक टेबल दिया हुआ है ना वहां पर ये मेंशनड है, ठीक है ना, देयर आर
देखो मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिकॉज ऐसे चैप्टर में इंफॉर्मेशन जो बेस्ड होती है उसमें आप एनसीईआरटी की कोई भी लाइन उठा के वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन बेस्ड है, ठीक है। तो हमारे पास यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है जो जिसका स्ट्रक्चर ये होता है, तो दिस इज योर यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन एज सच। तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एक तो यूरिया है और फॉर्मेल्डिहाइड है। तो अगर हमने हमको ये पता होता और हमने पढ़ा होता है तो हम इंस्टेंटली इसको देख के ही आंसर कर देते, तो दैट वुड हैव बीन योर फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरा था यूरिया, अगर यूरिया होता तो वो आंसर, ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट कि क्वेश्चंस को इन दोनों चैप्टर्स के लिए आपको एनसीईआरटी बार बार करनी है, एनसीईआरटी की लाइन करनी है, एंड फोकस ऑन द आर्काइव्स, ठीक है ना, आर्काइव्स पे भी फोकस। ओके, अगेन द सेम थिंग विद द केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो जब हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की बात करते हैं तो उसमें भी अगेन आप थोड़े से टिपिकल स्ट्रक्चर, थोड़े याद करने के लिए मुश्किल स्ट्रक्चर्स हैं, बट हमें ऑब्वियसली इसको इग्नोर नहीं करना है। स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट जेई मेन, जैसा ट्रेंड हो गया है कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए ठीक है करना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, दैट्स व्हाई वी डू इट। तो जो भी हमारे पास वहाँ पे स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, जस्ट गो थ्रू देम, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, एक टेबल बना लो, कॉपी पे लिखो, ठीक है। तो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट इट। तो देखो ये सारे हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं, और दूसरा हमें इसको इसके मैच करना है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर नहीं गिवन है ना, तो अब मतलब ना बात यह कि बिकॉज केमिस्ट्री पढ़ी होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन हमने कर रहे होते हैं, उनको पता है कि अगर स्ट्रक्चर्स पता होते तो फिर तो ये तो हो ही जाएगा मैच। तो व्हाट दे द एग्जामिनर आल्सो एक्सपेक्ट्स इज टू नो द स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ऑफकोर्स इफ इफ जे इज एक्सपेक्टिंग अस टू नो तो वी हैव टू गो अबाउट इट, है ना। तो उस तरीके से हमें करना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लोरोजाइलेनॉल का स्ट्रक्चर पता है, तो दिस इज क्लोरोजाइलेनॉल। अच्छा क्लोरोजाइलेनॉल है क्या? दिस इज एन एंटीसेप्टिक, ठीक है, ये पता होना चाहिए। मतलब डेफिनेशंस कर लो, मतलब वहां पर एंटासिड, मतलब एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक्स, सबकी डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। जैसे एंटीसेप्टिक और मतलब ये बेसिकली फाउंड इन डेटोल में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। डेटोल में कौन सा कंपोनेंट होगा? तो क्लोरोक्साइलिन, ठीक है ना। और हमारे पास नॉर्थिंड्रॉन इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बार ये क्वेश्चन भी हो गया, पूछा आ सकता है कि अच्छा इसमें से टोटल कितने कायरल सेंटर्स हैं। तो अलग अलग क्वेश्चंस जस्ट बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, तो क्वेश्चन हम तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब स्ट्रक्चर पता होगा, ठीक है ना। नॉर्थिंड्रॉन का स्ट्रक्चर ये होता है, तो हमें ये थोड़ा याद रखना है, ठीक है ना। और दिस इज एन एंटी फर्टिलिटी ड्रग, इसे एंटी फर्टिलिटी ड्रग, ठीक है। तो ये याद रखना है इसके बारे में। एंड देन ही है सल्फापिरिडिन। सल्फापिरिडिन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सल्फा ड्रग, याद रख लो। और ये देखो ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, मतलब ऐसा हो सकता है कि इसे पूछ लिया जाए कि अच्छा इसकी हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट लिखो, तो मैं पता है कि यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। जैसे जैसे अगर यहाँ पर सीओ होता है, एनएच होता, तो ये सिमिलरली, ठीक है, जैसे था सल्फापाइरिडिन, इस तरीके से रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर रहेगा। तो बस आपको स्ट्रक्चर पे फोकस करना है। एंड देन यू हैव अगेन पेंसिलिन। पेंसिलिन इज एन एंटीबायोटिक, बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है ना। और अगेन इट इज अ बैक्टेरिसाइडल, मतलब बैक्टीरियोस्टैटिक हो सकता है, बैक्टीरियोसाइडल हो सकता है। बैक्टीरियोसाइडल का मतलब है जो कि किल करता है बैक्टीरिया को, बैक्टीरियोस्टैटिक होता है जो कि रोक देता है उसकी, ठीक है, उसकी ग्रोथ को। तो बैक्टीरियोसाइडल होता है ये। तो कुछ वही है, ये सारी चीजें एनसीईआरटी में मेंशनड है, उनको रीड करेंगे तो पता लग जाएगा। तो जस्ट बाय नोइंग द स्ट्रक्चर, जस्ट ओनली इफ वी नो द स्ट्रक्चर ओनली देन विल बी एबल टू अटेम्प्ट द प्रॉब्लम, राइट। तो दैट इज द आइडिया, ठीक है। जैसे क्लोरोजाइनॉल, जाइलेनॉल का अब देखो ये स्ट्रक्चर पता है, ठीक है। तो नाउ दिस इज हमारे पास यहाँ पर एक फिनोलिक ग्रुप है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये विल दिस विल गिव विद पॉजिटिव फेरिक क्लोराइड, तो मतलब फेरिक क्लोराइड टेस्ट। तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट में बेसिकली वायलेट कलरेशन आती है,
अगर कोई फिनोल ग्रुप है ठीक है, तो उसके साथ ठीक है इसको रिएक्ट जब करवाते हैं तो इट टेस्ट द FeCl3 टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द फिनोलिक ग्रुप ठीक है. तो मतलब ये ए विल बी, तो इट विल गिव दिस पॉजिटिव पेरिक्लोराइड टेस्ट. नॉर्थ हेंड्रॉन को अगर हम देखेंगे बाकी, तो इसका स्ट्रक्चर ये देखो, और यहाँ पर देखो हमारे पास एक अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, तो इट विल गिव अ पॉजिटिव बेयर्स टेस्ट. बेयर्स टेस्ट का रीजेंट है KMnO4 राइट, अनसैचुरेशन के लिए तो बेयर्स रीजेंट यूज कर सकते हैं ठीक है. तो बेयर्स रीजेंट इज KMnO4 एज सच ठीक है. तो नॉन सिंड्रोम विल गिव पॉजिटिव बेयर्स टेस्ट. सल्फापिरिडिन, सल्फापिरिडिन ओके, तो दिस इज जैसे हमने अमाइंस में करा था, एरोमेटिक अमाइंस में ऐसे क्या, तो हमारे पास एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन है ठीक है, तो इट विल गिव पॉजिटिव कार्बिलामिन टेस्ट. तो ये पंजेंट ये आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट कर देता है ठीक है. तो सल्फा इज गोइंग टू, तो दिस विल गिव कार्बिलामिन टेस्ट ठीक है, पॉजिटिव कार्बिलामिन टेस्ट. एंड ऑफ कोर्स पेंसिलिन, पेंस एक ही बचा है तो ऑफ कोर्स यही होगा हाइड्रोजन सल्फेट. यहाँ पर एक COH ग्रुप गिवन है ठीक है ना, मतलब विच विल गिव NaHCO3 के साथ CO2 विल बी लिबरेटेड CO2. तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी जो एसिड, कोई भी ऐसा ग्रुप है जो के जिसकी Ka की वैल्यू H2CO3 से ज्यादा है, दैट कैन लिबरेट CO2. तो कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड, स्ट्रॉन्गर एसिड, सो दे विल लिबरेट CO2 इन द सोडियम, फ्रॉम द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो आइडिया ये था, तो इसका तो आंसर डी आ जाएगा है ना. तो आइडिया ये था कि इसमें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में भी ठीक है, गो थ्रू द चैप्टर, रीड करो ठीक है. अभी टाइम है, वी कैन स्पेंड लिटिल बिट ऑफ टाइम ऑन दीज चैप्टर्स ऑल्सो. जब ये चैप्टर हो गया, इनफैक्ट मैं और चैप्टर के नाम गिनाऊँ तो जो कि आपको प्योरली NCERT से करने होते हैं, जैसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर है हमारा ठीक है, सर्फेस केमिस्ट्री ऑल्सो फॉलो NCERT ठीक है. एंड इनऑर्गेनिक के लिए तो आप करते ही हो, और ऑर्गेनिक में भी बेसिकली इन चैप्टर्स के लिए भी आप NCERT को फॉलो करो ठीक है. बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन लाइफ, वी हैव टू गो थ्रू NCERT वेरी केयरफुल ठीक है, वेरी रिलीजियसली फॉलो. ओके, सो अगेन एक सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम हमारे पास, मैच द कॉलम देखो इसी तरीके से है. तो दे अब आइडिया लग गया कि एग्जामिनर वांट्स अस टू नो द फॉर्मूला, नो द स्ट्रक्चर्स है ना. अब लाइसिन जो है ठीक है, लाइसिन हमने करा है, दिस इज एन अमाइनो एसिड और प्रोटीन ठीक है. और अमाइनो एसिड का जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ठीक है, वो होप वो उस लिस्ट में से देख लिया होगा, बट इसमें हमें देखना है कि वो किस कौन से टेस्ट को देता है ठीक है. तो अमाइनो एसिड्स के हमारे पास टेस्ट होते हैं ठीक है. फर्स्ट टेस्ट इज निनहाइड्रिन टेस्ट. निनहाइड्रिन टेस्ट होता है अमाइनो एसिड्स का, और उसके बाद हमारे पास ब्यूरेट टेस्ट होता है, और हमारे पास एक ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट होता है. जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हमने मॉलिश टेस्ट किया, इसके लिए हमें निनहाइड्रिन, ब्यूरेट और ज़ैंथोप्रोटिक, मतलब दीज टेस्ट फॉर प्रोटीन्स. और अमाइनो एसिड्स, तो मतलब देखो अगर ये आपको नाम याद है तो नाम याद करना काफी है. बाकी निनहाइड्रिन टेस्ट में होता क्या है, निनहाइड्रिन, दिस इज योर निनहाइड्रिन, निनहाइड्रिन हाइड्रेट हमें पता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड होते हैं, दिस इज योर निनहाइड्रिन हाइड्रेट. निनहाइड्रिन हाइड्रेट ठीक है. तो ये अमाइनो एसिड्स के साथ अगर टेस्ट ठीक है, अब इसमें हम कुछ ड्रॉप्स इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो इट विल फॉर्म ब्लू कलरेशन ठीक है ना. तो लाइसिन विल फॉर्म, विल गिव निनहाइड्रिन टेस्ट. अच्छा ब्यूरेट टेस्ट में क्या होता है, ब्यूरेट टेस्ट में हमारे पास अगर कुछ रीजन डालेंगे, ब्यूरेट टेस्ट में होता क्या कि हम पहले NaOH डालते हैं और उसके बाद CuSO4 डालते हैं ना, तो उसमें हमारे पास जो कलरेशन आती है ठीक है, वो इट विल गिव अ
ब्लू वायलेट और पिंक कलर, ठीक है, तो हमारे पास ये कलरेशन आती है ना। और जैंथोप्रोटिक टेस्ट में हम क्या करते हैं, इसमें हम कुछ थोड़ा हमें स्मॉल 2-3 ड्रॉप्स ऑफ HNO3 डालते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, 2-3 ड्रॉप्स। तो हमारे पास इवेंचुअली पहले वाइट पीपीडी बनता है, ठीक है, देन टर्न्स येलो ऑन हीटिंग। तो क्या कुछ इंफॉर्मेशन है, तो ये जो टेस्ट है वो आप एक बार रिवाइज करो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए और प्रोटीन के लिए। प्रोटीन के लिए 3 टेस्ट पता होने चाहिए, नाम याद तो होने चाहिए कि अच्छा नीन हाइड्रिन है, ब्यूरेट है और ज़ैंथोप्रोटिक है, ठीक है। और यहाँ पर हमें पूछा था नीन हाइड्रिन टेस्ट, तो इट फॉर्म ब्लू कलरेशन विद प्रोटीन एज सच, तो लाइसिन विल बी नीन हाइड्रिन। एंड देन यू हैव फर्फरल। फर्फरल का स्ट्रक्चर ये होता है और इट फॉर्म्स अ डाई विद, दिस इज अल्फा नेप्थोल। हमें पता है कि अल्फा नेप्थोल, ठीक है ना, हमने अमाइंस में, हमने लाइक एरोमेटिक अमाइंस में, बाइंडिंग अमाइन में, ठीक है, को डिटेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है, यूज करते हैं, वो डाई फॉर्मेशन होती है। सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन इसके लिए भी होता है, ठीक है, अगर हम अल्फा नेप्थोल के साथ इसको ट्रीट करेंगे तो इट विल फॉर्म अ डाई, इट विल फॉर्म अ कलर्ड डाई, ठीक है ना। तो फर्फरोल इज फॉर 1 नेप्थोल। अच्छा, बेंजाइल अल्कोहल। अच्छा, अब ये सारे जो हैं बेंजाइल अल्कोहल है वो थोड़े आसान है, बेंजाइल अल्कोहल is this? अच्छा, this is the primary alcohol, और primary alcohol में, ठीक है, अब हम एक हमारे पास CAN test होता है, सिरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट होता है। सिरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट जनरली प्राइमरी अल्कोहल्स के साथ को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट करते हैं हमने, ठीक है, एंड इट विल गिव रेड कलर। फॉर एलिफैटिक स्टायरीन हमें पता है कि डबल बॉन्ड होता है उसमें, तो अगर मैं स्टायरीन तो KMnO4 ऑटोमेटिकली एक ही ऑप्शन बची है। तो डबल बॉन्ड है तो हमारे पास ये KMnO4 बेयर्स-लीजेंड के साथ टेस्ट है, ठीक है ना, टी कलरेशन, राइट। सो अगेन बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक ऑर्गेनिक के रिएक्शंस यूज हुए, लेकिन आइडिया यही था कि हमें स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए थे तभी हमसे ये क्वेश्चन हो पाता। तो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड योर चैप्टर्स लाइक केमिस्ट्री एंड एनिमल लाइफ एंड बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। सो हमें एक ओवरऑल आइडिया लग गया है, ठीक है, कि हमें इन चैप्टर का अप्रोच क्या करना है, अप्रोच हमें क्या रखना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है। सो रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिस, रीड, उसको बार बार रिवाइज करो, रीड करो, ताकि और ट्राई टू रिटेन एट द एंड, ताकि जो क्वेश्चन आए जेई में तो हमसे हो पाए, ठीक है ना, थोड़ा याद करने वाला है, विच इज एक्सेप्टेड, बट हमें करना पड़ेगा बिकॉज एंड नाउ वी आर लाइक, हमें बिकॉज पहले हमें थोड़ा डिफिकल्ट लगता था बिकॉज वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम दीज चैप्टर्स, बट अब ये रेगुलरली पूछे जा रहे हैं, तो इसका मतलब है हमें ये करना पड़ेगा, एंड नाउ वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, बिकॉज़ इस साल अगर 2020 में क्वेश्चंस आए हैं तो हमें पता था ऑलरेडी कि अच्छा अब इन चैप्टर्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वी वर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट, राइट। तो अब हमें इन चैप्टर्स को इंपॉर्टेंस उतनी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो जस्ट रिवाइज ऑल द टॉपिक्स व्हिच आर डिस्कस्ड इन दिस सेशन, तो नाउ फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू वाइंड अप द सेशन एज सच। तो इसको रिवाइज करो, ठीक है, और प्रैक्टिस करो, ठीक है, NCERT पढ़ो और आर्काइव्स करो, ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच।